दोस्तों 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में और आपके डिमांड पे आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक टेंस की फुल फ्लेज वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले आप मुझसे प्रॉमिस करो, एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं, आप प्रॉमिस करो कि आप वीडियो एंड तक देखोगे, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपके टेंस हमेशा के लिए पूरे पक्के हो जाने वाले हैं। कोई आपको टेंस सीखने से नहीं रोक सकता। सीखोगे तो क्या औरों को भी सिखाओगे। आपने कभी इस तरह से टेंसेस को नहीं पढ़ा होगा, आपका आज दूसरा जन्म होने वाला है। तो कमर कस लीजिए पेन और कॉपी के साथ और मेरे साथ चलिए टेंसेस को सीखने। दोस्तों पहले हम समझते हैं कि टेंसेस का मतलब होता क्या है। टेंसेस ऐसे रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि टेंसेस का मतलब होता है टाइम, क्योंकि ये वक्त को ही तो बताते हैं। कोई भी काम हो रहा है, खाने का, पीने का, हंसने का, रोने का, वो कौन से समय में हो रहा है वो बता देते हैं हमारे टेंसेस। लेकिन क्या ये सिर्फ टाइम ही बताते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसमें काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है पढ़ाने का। लिखकर भी देख लेते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो काम तो हो गया पढ़ाने का। और आप समझ गए कि पढ़ा रहा हूं कोई से वक्त में हो रहा है, कोई से समय में हो रहा है। तो टेंसेस के रूल्स की मदद से हम इसकी इंग्लिश बना लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन क्या कोई और भी चीज है यहां पे जो मिसिंग है? जी हां, टेंसेस का मतलब सिर्फ टाइम ही नहीं होता, ये हमें बताते हैं कि वो जो काम हो रहा है वो कितना हुआ है। तो यानी टेंसेस में हम देखेंगे कि टाइम और वर्क। जी हां, कि टेंसेस वो रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है और वो कितना हो रहा है या हो चुका है। अब कोई भी रूल होगा उसकी मदद से हम ये जान लेंगे कि ये भी जो भी काम हो रहा है वो कितना हो चुका है और वो कौन से समय में हुआ है। एग्जाम्पल की मदद से इसको और समझेंगे कि ये सेंटेंस हमने लिखा था मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब जो हूं वर्ड था तो हिंदी में था तो हम समझ गए कि ये अभी की बात है, प्रेजेंट की बात है, अभी में काम हो रहा है। अच्छा वो कितना हो रहा है? अभी पढ़ाने का काम चल रहा है। तो दो बातों का हमें पता चला। अब इन दो बातों को ही लिखने के लिए हमें टेंसेस की मदद लेनी पड़ेगी। तो अभी मोटा मोटा आप ये समझेंगे कि टेंसेस का मतलब होता है ऐसे रूल्स इंग्लिश ग्रामर के जो हमें बताते हैं कि कोई भी वर्ब यानी कोई भी क्रिया जो काम हो रहा है वो कौन से वक्त में हो रहा है और वो कितना हो चुका है उसका स्टेटस। अब बात करेंगे आगे की कि टेंसेस हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं। अब दो चीजों पे फोकस करना है ना हमें, टाइम और वर्क, दो ही तो चीजें हैं हमारे पास। तो टाइम देख लो, वर्क देख लो, उन्हीं से रूल्स बनेंगे। रटने की बिल्कुल कोशिश ना करें, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, बिल्कुल रटने की कोशिश ना करें। रटते तो आप सालों से आ रहे हैं, तो क्या सीख गए? नहीं सीखे ना। अभी जैसे समझा रहे हैं वैसे आप समझने की कोशिश करिए। तो टाइम कितने तरह का होगा? टाइम कितने तरह का हो सकता है? टाइम तीन तरह का ही तो होता है। कौन कौन सा? एक तो जो बीत गया सो बात गई, जिसे हम बोलते हैं भूतकाल, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में बोल देते हैं पास्ट टेंस, हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, यानी बीता हुआ वक्त। आप पैदा हुए थे आज से 20 साल पहले, तो वो पुरानी बात हो गई, तो यानी वो पास्ट हुआ। अभी जो आप जिसमें जी रहे हो उसे बोलते हैं वर्तमान, और जिसे हम बोल देते हैं प्रेजेंट। ये मैं अभी बहुत ही जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं, हम ऐसी ही बात कर रहे हैं, कोई भी अभी इंग्लिश की बात तो हम कर ही नहीं रहे। आपको भी पता है कि कौन से वक्त कितने जो वक्त हैं कितने टाइप के होते हैं, मुझे भी पता है, वही हम यहां डिस्कस कर रहे हैं ना। तो पास्ट बीता हुआ, प्रेजेंट जो अभी में है, और कोई सा भी होता है क्या? हाँ होता तो है। अभी आप एग्जाम क्लियर करने वाले हो, करोगे, यानी फ्यूचर में। अभी ये टेंस पढ़ने के बाद आप बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलने वाले हो, तो ये भी तो फ्यूचर है आपका। तो एक हो गया हमारा फ्यूचर जिसे हम बोलते हैं भविष्यकाल। तो टेंस को तो मैंने कैटेगराइज करने की खूब कोशिश करी कि मैं और भी बढ़ा लूं इसको, इसके टाइप और बना दूं, लेकिन मुझसे तो बने ही नहीं। ये बने सिर्फ तीन, एक तो जो समय चला गया जिसे मैंने कहा पास्ट, एक जो चल रहा है प्रेजेंट, और जो आने वाला है उसे बोलेंगे हम फ्यूचर। अब फिर वही बात दिमाग में आई कि टेंस तो ऐसे रूल्स हैं जो दो चीजों को बताते हैं, एक टाइम कि वो काम कौन से समय में हो रहा है वो, और दूसरा वर्क भी तो है। अब काम को भी ऐसे डिफाइन करते हैं, काम कितने तरह का हो सकता है? काम क्या सिर्फ चल ही रहा होता है? नहीं,
काम तो पूरा भी हो सकता है। मेरे को कहना है आपसे, मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यहां पर एग्जाम्पल था मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया और मैंने लिख दिया मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब जो पढ़ाने का काम था वो पूरा हो गया है, बिल्कुल पूरा हो चुका है, तो वर्क जो था वो भी वो बदल गया, पहले चल रहा था अब कंप्लीट हो गया, तो यानी वर्क के भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं। आइए बनाते हैं। तो वर्क में मैंने देखा, एक तो मैंने देखा कंटिन्यूअस, जो काम लगातार चल रहा है उसे हमने बोल दिया कंटिन्यूअस, ठीक है। एक और टाइप बनाया मैंने उसको बोला परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब परफेक्ट, आमिर खान को बोलते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट, या मैंने आपसे कहा कि परफेक्टली हुआ, यानी कोई भी कमी उसके अंदर नहीं बची, वो अधूरा नहीं है किसी भी तरह से, उसे हमने बोला परफेक्ट। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि काम परफेक्ट है, उसका मतलब यह हुआ कि वो कंप्लीट है, उसमें कुछ बचा नहीं है। तो कंटिन्यूअस हुआ, परफेक्ट हुआ, और एक और भी तो हो सकता है, कौन सा हो सकता है देखते ना। एक मैंने बोला इनडेफिनिट। अब इनडेफिनिट का मतलब यहां पर क्या हुआ सर? इनडेफिनिट सुना है क्या? हाँ, एक वर्ड सुना है मैंने, डेफिनेट, डेफिनेटली करूंगा ये काम, निश्चित ही करूंगा, यानी डेफिनेट का मतलब हो गया पक्का, और इनडेफिनिट उसका उल्टा, यानी इनडेफिनिट जो पक्का नहीं है, अनिश्चित, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, अनिश्चित, जो पक्का नहीं है। तो कोई काम ऐसा जो पक्का नहीं, आपको पता ही नहीं चल पाता कि वो चल रहा है या पूरा हो चुका है। अभी इस सबको डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अभी आप सिर्फ एक मोटी मोटी नॉलेज ले लें, एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हमें करनी है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा कि टेंस कितना तरह के होते हैं, टेंस होता क्या है, और टेंस में हमने इनको बांटा टाइम और वर्क में, और टाइम के बेस पे हमने बांटा, और अब वर्क को वर्क के बेस पे बांट रहे हैं, इतना ही तो करा हमने। तो आइए इंडेफिनिट भी देख लिया, तो अभी तक तीन बांटे, एक काम कौन सा हो गया जो चल रहा है, एक काम जो कंप्लीट हो चुका है, और एक पढ़ा हमने जो अभी पता ही नहीं कि चल रहा है कि कंप्लीट है, वो बस नॉर्मल है। एक और होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये खामा खां का टेंस बनाया हुआ है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह का कोई काम होना नहीं चाहिए था, लेकिन ग्रामर का रूल है इसलिए हमें पढ़ना है ये। अगर आपने पढ़ लिया तो इसे भी आसानी से पढ़ लोगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, अब हम टाइम और वर्क के बेसिस पे टेंस को कैटेगराइज करते हैं, देखते हैं कि टेंसेस कितने टाइप के अब बनते हैं इन दोनों के मिक्सचर से। तो आइए देखते हैं क्या है। तो टाइम कितने तरह का हुआ, एक तो हुआ प्रेजेंट, एक हुआ था हमारा पास्ट, और एक हो गया हमारा फ्यूचर, ठीक है, ये तो हो गया टाइम। अच्छा, वर्क कौन कौन से होंगे, वर्क को देखते हैं आइए। तो वर्क में हमने देखा था, एक तो था हमारा इंडेफिनिट, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, इंडेफिनिट, एक था हमारा कंटिन्यूअस, एक था हमारा परफेक्ट, और एक था हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट होगा, ऐसा हो सकता है, हाँ जी प्रेजेंट में काम हो रहा, टाइम जो है वो प्रेजेंट में, काम है हमारा इंडेफिनिट, ऐसे टाइम है प्रेजेंट, काम है हमारा कंटिन्यूअस, और ऐसे ही टाइम है हमारा प्रेजेंट, काम है हमारा परफेक्ट, टाइम है प्रेजेंट, काम है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये कितने टाइप के हो गए, ये हो गए जी चार टाइप के, कितने, चार टाइप के। तो मैं कह सकता हूं कि प्रेजेंट टेंस के हमारे चार टाइप होते हैं, और वो चार टाइप इस तरह से होते हैं। इनके नाम को हमने समझना सीख ही लिया है कि इनके नाम से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा काम हो रहा है और कितना हो चुका है। तो ये हमने समझ लिया, अच्छा बिल्कुल समझ में आया। अब एक सवाल और, जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में ये काम के बेस पे हमने इन्हें चार में कैटेगराइज किया, तो क्या पास्ट और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा? अब ये सवाल आता है, क्या ऐसा ही पास्ट और फ्यूचर में होगा? बिल्कुल होगा, वेरी लॉजिकल, ये बहुत ज्यादा लॉजिकल है। जिस तरह यहां हुआ ऐसे ही यहां पर भी होगा, यहां भी पास्ट का क्या होगा, एक इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या फ्यूचर में भी यही चेंज चलेगी? हाँ जी बिल्कुल चलेगी, ऐसा होगा कि काम कोई फ्यूचर, जो टाइम होगा उस काम का वो फ्यूचर में होगा, टाइम पता लग गया फ्यूचर का है, लेकिन जो काम हो रहा होगा, जो एक्टिविटी हो रही होगी, वो कैसी होगी, वो शायद कंटिन्यूअस हो, शायद इंडेफिनिट हो, शायद परफेक्ट हो, शायद परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हमें क्या पता, हमें तो रूल से मतलब है। इंडेफिनिट इसका भी हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कुछ भी रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लोग कहते हैं कि जी चार टाइप के सेंटेंस होते हैं, टेंसेस होते हैं, तीन होते हैं, इनके टोटल 12, ये वो। अरे नहीं सर, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो,
कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, टाइम वर्क दिमाग में ये बैठा लो, अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए, अपनी जादुई शक्तियां जो भी हैं आपके अंदर, ये समझ लो टाइम और वर्क का कॉन्सेप्ट, और इसके बेस पे इनको कैटेगराइज इजीली कर लोगे। अब हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया है, अब हमें यह समझ आ चुका है कि टेंसेस होते क्या हैं और उनके टाइप्स किस तरह से बने हैं। सर आज तक आपने किसी किताब में यह नहीं पढ़ा होगा कि टेंसेस के जो टाइप्स हैं वो बनते कैसे हैं। हम इस वीडियो में यह डिस्कस कर रहे हैं कि टेंसेस के टाइप बने कैसे, ये इंपॉर्टेंट बात थी। इनको कैटेगराइज हम बिना रटे कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो अब हमारा एक ब्रॉड जो अंडरस्टैंडिंग है माइंड की वो हो चुकी है, अब हमारे को क्लियर कट आइडिया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी इन सब के अब हमें क्या पढ़ने हैं, रूल्स पढ़ने हैं। ये तो बहुत सारे हैं, 12 ये हैं, इनके भी अलग अलग टाइप्स होंगे, कैसे याद रखेंगे ये भी ट्रिक है। दोस्तों अब हम वीडियो के उस पार्ट में आ गए हैं जहां मुझे आपका 100% and 200% कंसंट्रेशन चाहिए। ये कंसंट्रेशन आपको जिंदगी भर फायदा देने वाला है। ये कॉन्सेप्ट सर, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, सारे टेंसेस यहीं पर क्लियर होने वाले हैं। तो आइए अभी समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी को। मैंने आपसे कहा कि आप अपने स्कूल की तरफ से किसी कॉम्पिटिशन में गए, कंपटीशन में भाग लेने आप गए हो, वहां पे और भी बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। अब इतने सारे बच्चों में आपकी पहचान कैसे हो, आप तो खो जाओगे, आपके टीचर्स परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए या क्या होता है, ऐसा करना चाहिए कि आपको मैं ना एक डिफरेंट कलर की जैकेट्स पहना देता हूं। मान लीजिए हमने क्या किया, अपने स्कूल के बच्चों को रेड कलर की जैकेट पहना दी। अब जो भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं सब रेड जैकेट के अंदर, और जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं उनको हमने ग्रीन कलर की जैकेट पहना दी, एक और स्कूल के बच्चे हैं उनको हमने येलो कलर की जैकेट पहना दी। अब ये तीन कलर की जैकेट में हमारे सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब हमें क्या याद रखना है, हमें तो बस ये याद रखना है ना कि हमारे स्कूल के बच्चे रेड कलर की जैकेट में है। जो भी रेड कलर की जैकेट में होगा मैं समझ जाऊंगा कि ये हमारे स्कूल का ही स्टूडेंट है। अब चाहे वो कहीं भी चला जाए, घूमे फिरे, हमें टेंशन ही नहीं है, हम तो रेड देखा, पहचान लगाई, बात खत्म। अब हमने ये तो सीख लिया कि टेंसेस जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं और उनके चार और वर्क वाले टाइप होते हैं, ये हमने सीख लिया था। टेंसेस कितने वक्त कितने तरह का होता है, काम कितने तरह के होते हैं, ये तो सब क्लियर हो गया। अब उनकी पहचान, ऐसे ही टेंसेस में हमने रेड जैकेट पहनानी है, कुछ बच्चों को हमें येलो जैकेट पहनानी है, कुछ को ग्रीन जैकेट पहनानी है। जी हाँ, ये जो हमने तीन जैकेट पहनाई ना, वो ऐसे पहनाई कि हमने क्या किया, हमने लिखा कि प्रेजेंट टेंस जो भी होगा, जो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा ना, उसकी जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी होंगी, वो होंगी हमारी डू, डज, इज, एम आर और हैज हैव। ये हमें याद रखना है कि ये जब भी होंगे ना, प्रेजेंट हमें दिखाना होगा, तो हम इन इन वाली हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखेंगे, डू, डज, इज, एम या आर, हैज या हैव, ये याद रखना है। अच्छा, और स्कूल के बच्चों को हम क्या पहनाते, पास्ट वालों को। अब कभी भी टाइम हो पास्ट टेंस में, तो उसकी पहचान के लिए कि वो टाइम कैसे पहचाने, उसके लिए हमने जैकेट कौन सी पहनाई, मान लीजिए हमने ग्रीन जैकेट पहनाई, तो डू डस का हमने करा डिड, इज एम आर का करा हमने वॉज या फिर वर, हैज हैव का हमने कर दिया सिंपल हैड। अब तीसरे स्कूल की तरफ बढ़ते हैं, उनके स्टूडेंट्स को भी तो हमने डिफरेंट जैकेट पहनाई। हमने क्या किया, फ्यूचर वालों को हमने कहा कि आप कुछ मत करिए, आप बस ये जैकेट पहन लीजिए, और इसके लिए हमने कुछ नहीं करा, हमने करा विल, शैल। मेनली यही रखना है हमें याद, विल शैल ही होगा, आगे वैसे होता है विल शैल हैव भी, अगर एक साथ हो तब भी आप समझ लेंगे फ्यूचर। मेन आपको इस पे फोकस करना है, विल शैल, इसकी बात जब करेंगे तब और इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी हमें। तो अभी सिर्फ पहचान के लिए टेंसेस के अंदर ट्रांसलेशन के टाइम पे इंग्लिश पढ़ते हुए किसी भी सेंटेंस की हमें यह ध्यान देना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब ये वाली है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो उसका टेंस का टाइम तो प्रेजेंट होगा, काम की बात नहीं की हमने, हमें टाइम पता चल जाएगा कि डू डज इज एम आर हैज हैव है तो वो प्रेजेंट है। टाइम अगर डिड वॉज वर हैड वाली हेल्पिंग वर्ब है तो हमें पता चल गया वो पास्ट है, और अगर फ्यूचर है तो विल और शैल है। एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसको और अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, मान लीजिए शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश,
मुझे नहीं पता इसकी अभी हिंदी क्या है, मैंने तो इसको अभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन क्या मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं समझ जाऊं कि इसमें टेंस कौन सा यूज हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, डज आ रहा है यहां पे। डज समझते ही मेरे को पता चली इसका टाइम तो प्रेजेंट है, बात खत्म हुई। अभी हमने वर्क की बात नहीं करी, काम क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड का यानी समझने का काम हो रहा है। अभी हमने ये नहीं देखा कि काम के काम को कैसे समझेंगे, अभी हम वर्क टाइम की बात कर रहे हैं। तो टाइम में हमने समझ लिया डस को देखते ही कि ये प्रेजेंट में बात हुई है। सर काम का भी बता दो ना, सर ऐसे ही काम का भी तो बता दो कि काम को कैसे पहचाने कि वो कितना हो चुका है। टाइम तो अब समझ गए, टाइम तो समझ गए कि हेल्पिंग वर्ब देखते ही छूटते ही समझ जाएंगे कि भाई ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, एकदम करेक्ट आंसर। अब काम का बता दो, क्या काम का भी कोई ऐसा रूल है? जी हां है रूल। रूल क्या है? जो हमारी वर्ब होती है ना, मेन वर्ब, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं। इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म्स होती हैं जो भी वर्ब होती है। मान लीजिए गो है ना, तो गो तो ही उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म हो गई वेंट और थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। तीन फॉर्म्स होती हैं जितनी भी हमारी एक्शन वर्ब होती है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली यूज होती है, उनकी थर्ड फॉर्म, जितनी तीनों फॉर्म्स हम वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि तीन फॉर्म्स होती हैं, आपको पता भी होगा बहुत सो। तो आपको अब इसके थ्रू पहचान करनी कि काम कितना हुआ है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो समझ लो कि काम कौन सा है, वो है इंडेफिनिट। कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो तो समझ लेना वो इंडेफिनिट है, मेनली वो इंडेफिनिट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगा हो, क्या लगा हो? ing। सर इसका मतलब क्या हुआ? ing मतलब ऐसे जैसे कि, क्या मैंने आपके आगे लिख दिया रीडिंग, रीड के आगे क्या लगा दिया? जमा ing, पूरा क्या बन गया? रीडिंग। ऐसे मैंने लिख दिया कम और आखिर में क्या लिख दिया मैंने? कमिंग। तो रीडिंग, कमिंग, गोइंग, लिसनिंग, टीचिंग, वॉचिंग, जितने भी ing लगे हुए हैं, तो याद रखना मेरी बात, ये ing दिखाता है काम के चलते रहने को, यानी वो काम चल रहा है अभी। तो ing देखो, माइंड में एकदम क्लिक कर लो कि इस ing वर्ब जो हो रही है वो भी चल रही है, कुछ और मत देखो। जब भी वर्ब के साथ ing लगी हो मेन वर्ब के साथ, आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ है, कि वो काम अभी चल रहा है। अच्छा, तो दो बातें भी पढ़ ली, फर्स्ट फॉर्म है तो वो इंडेफिनेट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing है तो वो क्या हो गया? कंटिन्यूस हुआ। अच्छा, अब मेन वर्ब की जब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो तो क्या होता है? थर्ड फॉर्म जब इस्तेमाल हो, थर्ड फॉर्म का मतलब ही अपने आप में होता है पूरा हो चुका होना। जैसे कि मैंने आपसे कहा शी हैज गॉन, गॉन वर्ड यहां पर यूज किया, क्या यूज किया? ये वाला गॉन यूज कर लिया। अब इस गॉन का मतलब ही पता क्या है? गया हुआ। इसका मतलब जाना नहीं बन जाता, अब इसका मतलब ही हो गया गया हुआ। ऐसे मैंने एक वर्ड यूज किया टायर्ड, टायर्ड का मतलब हुआ थका हुआ। तो परफेक्ट में भी क्या होता है? परफेक्ट में होता ही यह है कि काम पूरा हो चुका होता है, यानी मेन वर्ब की जब थर्ड फॉर्म हुई तो हमें उसका अंदाजा लग गया कि यह टेंस में जो काम हुआ है वो परफेक्ट है, यानी वो पूरा हो चुका है। यानी अब हमें वर्ब को देख के भी अंदाजा लग गया है। एक बार इसको समराइज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म होगी तो इंडेफिनेट, अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी होगी तो काम चल रहा है, कंटिन्यूअस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वो हमेशा क्या होगा? परफेक्ट होगा। टाइम को देखकर, हेल्पिंग वर्ब्स को देखकर, जैकेट्स को देखकर टाइम पता चल गया, वर्ब को देखकर वर्क पता चल गया, टेंस का पूरा रूल पता चल गया। आइए अब इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म देते हैं। हम बहुत आराम से बढ़ते चले जा रहे हैं अपने टारगेट की तरफ, और हमारा टारगेट है आज टेंस को सीखना। तो गाइज, अब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं और कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, वो सब हम अब समझ चुके हैं। अब टाइम आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करने का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कब होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम अपनी आदतों को बताने के लिए, अपना शेड्यूल बताने के लिए और अपना रूटीन बताने के लिए करते हैं। जी हां, जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करोगे तो यही वाले बातें बताओगे, इन्हीं सेंटेंसेस का आप इस्तेमाल करोगे। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, न्यूज़पेपर में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो याद रखना न्यूज़पेपर्स के अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत यूज किया जाता है, तो ये एक अलग चीज है। बाकी जो हमने तीन यूजेस पढ़े वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
के है। अच्छा हिंदी में सर कैसे पहचानूं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगेगा यहां पे? उसको पहचानने के लिए तरीका सुनिए। अब आप कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसके आखिर में क्या आवाज निकले, ता है, ती है, ते है, तो हो, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वहां लगा देना, बिना सोचे समझे बस लगा डालना, अगर ये वाली पहचान आप देखते हो। सेंटेंस कैसे ताहती है देखोगे, ऐसे देखना जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, जाता हूं, मेरी मम्मी खाना पकाती है, तुम वहां क्या करते हो, तुम झूठ क्यों बोलते हो, हम इंग्लिश पढ़ते हैं। तो ये हिंदी की पहचानें मैंने आपको बता दी, लेकिन इसका हमेशा इस्तेमाल मत करना, पता चला पूरी जिंदगी आप बस यही इस्तेमाल सीख के पहचान कर रहे हो। नो, ये तो अभी बेसिक्स के लिए बताया है, ये आपकी एक मदद की गई है। असली रूल तो आपको ऐसे ही याद करना है, कैसे, कि जहां आदतें होंगी, जहां पे आपको इंडेफिनेट और प्रेजेंट टाइम कौन सा होगा, प्रेजेंट का काम कैसा होगा इंडेफिनेट का, इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट याद करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला है रूल अफर्मेटिव के लिए। अब ये सर अफर्मेटिव क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस हम अपनी लाइफ में बोलते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि मैं जाता हूं, मैं वहां क्रिकेट खेलता हूं, ये सारे तो हो गए अफर्मेटिव के, यानी इनमें हां में बात हुई, हां ये मैं काम करता हूं। ऐसे मैंने कहा जो मैं काम नहीं करता उनके लिए क्या होगा, तो इसी बिहाफ पे, इसी बेसिस पे हमने क्या करा, सेंटेंस को कैटेगराइज कर रखा है। मेनली हम तीन कैटेगरी पढ़ने वाले हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव और एक इंटरोगेटिव। आपने सेंटेंस के टाइप्स पढ़े होंगे, बाकी हम यहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव जिसमें हम हां में बात करते हैं, जी हां ये काम हम करते हैं, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम कहते हैं हां जी ये काम तो मैं करता हूं, ठीक है, तो उनके लिए आप कैसे इंग्लिश बनाओगे, उनकी ट्रांसलेशन कैसे करोगे, उसको समझते हैं। अफर्मेटिव किसी का भी हो, कोई भी सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है, यानी हां में बात हो रही हो, तो सबसे पहले आप लगा देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी जो काम करता है उसका नाम आ जाएगा, उसकी इंग्लिश यहां पर आ जाएगी। जैसे कि अब ये मैं है, तो मैं यहां पर क्या है, काम करने वाला है, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, तो इसके लिए क्या सब्जेक्ट बना, मैं इसका सब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, रूल तो हमारे यहां लिखे हुए तो है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट कब लगेगी, जब इंडेफिनेट होगा, तो हम पढ़ ही क्या रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई सर। यहां पे आपको हमने रीजन भी दिया, वजह भी दी कि ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप रट रहे हो, तो सर ये वीडियो बनाने का हमारा जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे सब साथी इसको रटेंगे नहीं और इसको ऐसे ही समझेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको ये रीजन जानने के बाद मजा आया हो। तो यहां मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, फर्स्ट, कौन सी लगी, हां फर्स्ट लगी, बिल्कुल कोई सोचना ही नहीं है, फर्स्ट फॉर्म लगी, ठीक है। अब एस या ईएस लगेगा, वो कब लगेगा, वो तब लगेगा, वैसे इसके बारे में तो हमने बता रखा है, हमारी एक एरर डिटेक्शन की वीडियो, उसमें हमने डिस्कस किया था कि एस या ईएस कब आएगा। अब दोबारा एक बार मैं आपको समझा देता हूं, एस या ईएस तब लगेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जब ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन कौन सा, जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन हो, और वो थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हो, अगर थर्ड पर्सन हमारा सिंगुलर हो, और उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वो हमारा सब्जेक्ट है, तब हम लगा देंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। इसको एग्जांपल के साथ भी समझ लेते हैं, जैसे सेंटेंस है मेरा, कुणाल मेरे साथ रहता है। कुणाल कौन, थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की गई है, यानी वो फर्स्ट पर्सन नहीं, कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, वो थर्ड पर्सन है, कोई तीसरा है। तो कुणाल थर्ड पर्सन हुआ कि नहीं हुआ, क्या वो सिंगुलर है, हां कुणाल एक व्यक्ति है, तो उसके साथ मेन वर्ब जो भी होगी हम क्या लगा देंगे, एस या ईएस लगा देंगे। अच्छा लास्ट में फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमने इसको पूरा अच्छे से समझ लिया, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस और ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे, अफर्मेटिव हमारा खत्म हो जाएगा, फिर मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, सब्जेक्ट क्या, मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। अच्छा आई के साथ ऐसी ईएस लगा दूं क्या, लगाऊंगा क्या, दिमाग में सोचो, सब्जेक्ट सोचते ही ऐसी ईएस का दिमाग में ख्याल आना चाहिए, आई तो ऐसा लग रहा है सिंगुलर, अरे नहीं मुझे मतलब ही नहीं है कि सिंगुलर है कि प्लूरल, मुझे देखना है थर्ड पर्सन है कि नहीं, पहले तो ये देखो ना कि थर्ड पर्सन है कि नहीं, नहीं जी ये थर्ड पर्सन नहीं है, ये तो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए ऐसी ईएस का कोई
क्वेश्चन ही नहीं बनता, एसईएस नहीं लगाएंगे। ओहो मजा आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ूंगा मैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, मेन वर्ब क्या है इसमें, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, लिखना, लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट। तो यहां हम क्या लिख देंगे, राइट, हम भी राइट कर देंगे, ठीक है, आई राइट। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, किसके ऊपर लिखा जा रहा है, व्हाइट बोर्ड पर, तो मैं लिखूंगा आई राइट ऑन, और हमारा क्या आ जाएगा, व्हाइट बोर्ड। मैंने कोई भी सेंटेंस रटने की कोशिश ही नहीं करी, मैंने बस रूल देखा और कर लिया। अच्छा हिंदी से भी समझ लो जरा इसको, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, ये क्या मेरा शेड्यूल है, शायद मेरा शेड्यूल हो सकता है, मेरी आदत है, हाँ मेरी आदत हो सकती है, मेरा रूटीन है, हाँ जी हो सकता है। तो ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनेट इंग्लिश वाले जो हमने पहचान बनाई थी उससे प्रूव हुआ। अब देखो क्या हिंदी वाली पहचान, एक और पहचान तो थी, आखिर में ताहू आ रहा है, ये तो रहा ताहू, हां मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख ताहू आया, ताहू कोई भी आएगा तो वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। तो हमने दोनों तरीके से समझ ली सर ये वाली बात, और रूल तो हमें पता ही है। आओ दूसरे एग्जांपल पे, तुम उसे जानते हो, अब ते हो माइंड में आते ही समझ में आ गया क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तुम उसे जानते हो, यानी ये हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनेट। इसको भी बनाए, जल्दी से बनाते आइए, सब्जेक्ट जल्दी बनाओ, तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, तुम की इंग्लिश होगी हमारी यू। वर्ब क्या है, वर्ब आएगी ना मेन वर्ब क्या, उसे जानते, जानने की इंग्लिश क्या होती है, नो। अच्छा एसीआईएस लगा दूं, लगा दें क्या हम यहां एसीआईएस, नहीं लगाएंगे सर, क्योंकि ये तो थर्ड पर्सन है ही नहीं, ये तो सेकंड पर्सन है। अच्छा बहुत अच्छी बात, यू नो, और उसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, उसे की इंग्लिश हो जाएगी हिम या हर, डिपेंड करता है अगर लड़के के बारे में बात हुई है तो हिम, लड़की के बारे में हुए तो हर। अगले एग्जांपल पे आ सकते हैं अब हम, कुनाल मेरे साथ रहता है, इसको हमने पहले पढ़ ही लिया है, तो कुनाल के साथ हमें पता है एसीआईएस लगेगा। वर्ब क्या है इसके अंदर, रहता, रहने की इंग्लिश क्या होती है, लिव, एस लगेगा, बिल्कुल लगेगा, कुनाल लिव्स विथ मी, ये हमने इसके एग्जांपल करे अफर्मेटिव के। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव हो चुका, नेगेटिव में देखते हैं क्या इसके अंदर चेंजेस हैं। बेसिक तो बात वही रहेगी कि नेगेटिव कोई सा भी होगा, नहीं वाला होगा, शुरुआत तो सब्जेक्ट से ही होगी और खत्म ऑब्जेक्ट पे ही होगा, ये तो क्लियर है हमें, ठीक है। अब देखते हैं सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, तो हिंदी से इंग्लिश बनाते वक्त आप सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाओ, उसके बाद डू या डज लगाओ, डू किसके साथ, डज किसके साथ, तो डू जाएगा प्लूरल्स के साथ जो एक से ज्यादा है, और सिंगुलर्स के साथ लगेगा डज, लेकिन याद रखना आई के साथ आप इस्तेमाल हमेशा करोगे डू, ठीक है, कंफर्म, कोई डाउट नहीं जी। आगे बढ़ जाते हैं सर, नॉट लगा देना क्योंकि नॉट की ही हिंदी नहीं होती है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा फॉर्मूला नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। एग्जांपल की मदद से इसको करते हैं, एग्जांपल है मेरा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आपके सामने मैंने एक एग्जांपल रखा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैंने कहा इसकी इंग्लिश बनाओ, अब क्या पहला स्टेप होना चाहिए मेरा, पहला स्टेप ये होना चाहिए, सर ये टेंस कौन सा है, सर ये टेंस कौन सा है, हाँ जी इसमें कोई काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, झूठ बोलने का काम हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, यानी नहीं बोलता नेगेटिव है, ये आपकी कोई आदत है, हाँ मेरी आदत है, मैं अपनी आदत बता रहा हूं, आदतें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, कंफर्म, पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा और कोई पहचान, और भी तो पहचान थी, हाँ हिंदी वाली पहचान, क्या इसके आखिर में ता है, ती है वगैरह आ रहा है, हाँ मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आ तो रहा है, ये ता हूं, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको हम ऐसे समझ रहे हैं सर कि कभी भी कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आ जाए तो उसकी कैसे इंग्लिश बनानी है, ये माइंडसेट बना के हमें पढ़ना है, ये नहीं कि इसको सिर्फ ये एग्जांपल है सॉल्व करें खत्म, नो, एग्जांपल हजार, दो हजार, लाख, कितने भी आप सेंटेंस बनाओगे रूल यही लगेगा, पहचाने यही रहेंगी, ये टस से मस नहीं होगी सर, इसलिए हमने पहचानों को माइंड में रखते हुए करना है, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी, बिलीव मी। ओके तो मैं झूठ नहीं बोलता, ये कंफर्म हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। सब्जेक्ट की इंग्लिश मैं की क्या बन जाएगी सर, मैं की इंग्लिश बनेगी आई, कोई दिक्कत नहीं, आई के साथ डू या डज में से क्या लगा दूं, आई के साथ हमने पढ़ा डू लगेगा, डू लग जाएगा। अच्छा नॉट, हाँ जी नॉट तो लगना ही लगना है, तो आई डू नॉट। और इंग्लिश क्या है इसकी, वर्ब क्या है इंग्लिश इसकी झूठ बोलने की, टेल अ लाई होती है, तो क्या लिखेंगे हम, आई डू नॉट टेल अ लाई, तो इसकी इंग्लिश हमने बना दी आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अगला क्या है, तुम दवाई नहीं लेते हो, इसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट की इंग्लिश हम बनाएंगे तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी यू, उसके बाद डू या डज आएगा, तुम क्या होता है हमारा प्लूरल होता है, प्लूरल्स के साथ हम क्या लगा देते हैं डू, डू आ जाएगा, नॉट भी सबके साथ आ जाएगा,
यू डू नॉट, वर्ब क्या है इसमें, लेना, लेने की इंग्लिश हो जाएगी टेक. यू डू नॉट टेक, दवाई को बोलते हैं मेडिसिन, तो यू डू नॉट टेक मेडिसिन. ठीक है, ओके. अगला है हमारा, वह कोशिश नहीं करती है. इसमें सब्जेक्ट क्या हमारा, शी, लड़की के लिए शी आता है. डू या डज, सिंगुलर्स के साथ लग जाएगा, डज, डज नॉट, कोशिश करने की पूरी इंग्लिश होती है ट्राई, शी डज नॉट ट्राई. ये हमने नेगेटिव समझे, फॉर्मूला समझा. सर याद रखे, हमने जो भी ये सेंटेंसेस करे हैं फॉर्मूले की मदद से करे हैं, और ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी आज हमें पता है. आपको पता चल रहा है एक एक रीजन के टेंसेस के कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, तो इसमें रटने वाली बात नहीं है. ये वीडियो देखने के बाद आपको इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए कि आप दूसरे को भी पढ़ा सको. गाइज ये टाइम आ गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, सवालों को पूछने का. जी हाँ, वो वाले सेंटेंस जिसमें हम सवाल पूछते हैं उनकी इंग्लिश कैसे बनानी है वो देख लेते हैं. तो डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रख दो. अच्छा नोटिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कहीं लिख लो क्या कि कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होगा ना तो उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही होगी. तो याद रखना है हमें कि उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, जो भी टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी. ठीक है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज थी, तो डू या डज आ गया. डज किसके साथ, डू किसके साथ, वही नेगेटिव वाला रूल जो हमने नेगेटिव सेंटेंस में रूल पढ़ा है ना वही लगेगा. सिंगुलर्स के साथ डज, प्लूरल्स के साथ डू, और आई के साथ भी डू आएगा. सब्जेक्ट रखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब अब एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल से हम सेंटेंस को बनाते हैं. क्या तुम खेलते हो, इसमें एक सवाल पूछा, क्या तुम खेलते हो, उसकी इंग्लिश बनाते हैं जल्दी से. डू या डज में से क्या जाएगा, सब्जेक्ट देखो, तुम क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगा दूं, डू, तो लगा दूंगा डू, तो डू. और उसके बाद क्या, सब्जेक्ट क्या है, यू, खेलने की इंग्लिश प्ले, फर्स्ट फॉर्म रहेगी क्वेश्चन मार्क, खत्म. अच्छा ये लगाना मत भूलना, मार्क ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं इसे, ये भी पढ़ा जाता है सर, तो इसको मार्क ऑफ इंटरोगेशन को लगाना ना भूले लिखते हुए. ठीक है, अच्छा क्या तुम वहां रहते हो, इसमें भी तो एक सवाल था. अच्छा चलो छोटा सा एक और मजा करते हैं इसमें, क्या, शुरू से चलते हैं, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे है ये देख लेते हैं. तेहो लास्ट में आ रहा है, हाँ आ रहा है. क्या ये एक आदत है, आपसे पूछा जा रहा है वहां रहते हो, रहने का काम करते हो जी, हाँ शेड्यूल है आपका वहीं पर रहने का, जी हाँ मेरी हैबिट है मैं वहीं रहता हूं. ठीक है, आपने एक बात बता दी अपने बारे में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रूव हो गया. ये सोचते हुए चलना है हमेशा, आपको कोई भी सेंटेंस देखो कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कैसे है, कंटिन्यूस है तो कैसे है. इंग्लिश बनाते हैं, यहां भी क्या आएगा, डू आएगा. क्यों आएगा आपको पता है, क्योंकि तुम के साथ डू आएगा, डू हमारा आ गया. फिर वर्ब क्या है, डू यू लिव, और वहां के लिए क्या आ जाएगा, देयर. डू यू लिव देयर, क्या तुम वहां रहते हो. अगला है हमारा सेंटेंस, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है. अब ये भी ता है लास्ट में आया, हैबिट पूछी गई, हाँ तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. बार बार सर मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, इसलिए आप भी रिपीट करो, कभी भी सेंटेंस पढ़ो इसी तरह प्रैक्टिस करो, पहले पूछो क्या वो वाले टेंस है कि नहीं, जो टेंस आप पढ़ रहे हो उसको देखो. यही फॉर्मूला, यही स्ट्रेटेजी आप यूज करोगे तो ही दूसरे को पढ़ा पाओगे. ठीक है, अब क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, क्या की इंग्लिश क्या आ जाएगी, डस. अच्छा डस क्यों लगाया मैंने, अरे सर सब्जेक्ट ना सिंगुलर था, सब्जेक्ट सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ डज लगता है, मैंने भी डज लगा दिया. बहुत सही किया आपने, डज आ गया, उसके बाद ही आ जाएगा, या लड़का है ना पढ़ाता है तो लड़के के लिए ही आ गया, डज ही, पढ़ाने के लिए क्या आ जाएगी, टीच, और तुम्हें के लिए क्या आ जाएगी, यू, डज ही टीच यू. सर ये हमारे हुए इंटरोगेटिव सेंटेंस, खत्म. सर नीचे भी आपने कुछ लिखा हुआ, डबल इंटरोगेटिव, सर ये क्या है, सर ये ज्यादा इस्तेमाल होता है, इससे ज्यादा तो ये इस्तेमाल होता है, इसको समझ लो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है. डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्क क्या है, अंतर क्या है वो देखते हैं. तो अंतर ये होता है, सवाल तो पूछते हैं हम, दोनों ही इंटरोगेटिव हैं, लेकिन सवाल जो हम पूछते हैं तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब यस या नो में होता है. ओके, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब आप चाह के भी यस या नो नहीं कर सकते होते हैं. आप सोचो कैसे ऐसे सवाल हो सकते हैं. बिल्कुल, मैंने आपसे पूछा क्या मुझे जानते हो, तो जवाब क्या दोगे, यस या नो ही तो देना पड़ेगा. तीसरा कोई जवाब दोगे, नहीं दे सकते. आप बोले हाँ नहीं, हाँ जानता हूं या नहीं जानता हूं. एक सवाल मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आप जवाब दोगे मेरा नाम हाँ है, नहीं, आप क्या बोलोगे, अपना नाम बताओगे. तो
ये जो जहां पे आप यस या नो में आंसर दे सकते हो या सवाल ही ऐसा हो जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा तो वो इंटरोगेटिव होता है, सिंपल। लेकिन जो सवाल जिसमें आपको पूरे डिटेल में आंसर देना पड़ता है ना, वो डबल इंटरोगेटिव होता है। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया, अब हिंदी में भी कुछ पहचान बता दो। सुनो पहचान क्या होती है, ये जो भी स्टार्ट होगा नॉर्मल इंटरोगेटिव उसके शुरू में क्या आएगा और कोई वर्ड यूज नहीं होगा। जैसे क्या तुम जानते हो, क्या तुम आते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, क्या तुम हंसते हो, क्या तुम परीक्षा देते हो, कोई भी जो होगा वो क्या से शुरू होगा और यस या नो उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं डबल इंटरोगेटिव, ये नहीं होगा भाई, इसके शुरू में क्या नहीं होगा, इसके बीच में होगा। तुम क्या खाते हो वो चीज बताओ, तुम क्यों लड़ते हो वो वजह बताओ, तुम क्यों हंसते हो वो चुटकुला सुनाओ। तो अब ये वाली जो हमारे सेंटेंस हुए इसमें बीच में डब्ल्यू एच फैमिली आई, सिर्फ क्या का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्यों कब कैसे जो भी हमारी डब्ल्यू एच फैमिली जिसे कहते हैं हम वो यूज होती है और सेंटेंस के शुरू में नहीं होगी, बीच में होगी। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? सर इसका तो एक और फॉर्मूला बढ़ गया, दिक्कत हो गई, कैसे करें? अरे कोई दिक्कत नहीं हुई, ध्यान से देखो। डब्ल्यू एच फैमिली डू या डस प्लस सब्जेक्ट मीनिंग की फर्स्ट सम प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें और इसमें ना सिर्फ एक चीज का फर्क है कि डू डस से पहले, इस पूरे स्ट्रक्चर से पहले डब्ल्यू एच फैमिली जोड़ दो और कुछ नहीं करना, खत्म। डब्ल्यू एच फैमिली जोड़ दी हमने और बन गया किसका, डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला। जल्दी से इंग्लिश बना दो, तुम क्यों रोती हो। अब क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी हमारी, वाई हो जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे, वाई। अच्छा डू या डज, तुम क्या होता है प्लूरल, प्लूरल के साथ मैंने लगा दिया डू और फिर सब्जेक्ट आया वाई डू यू, रोने को बोलते हैं क्राई, वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोते हो, रोया मत करो। वह क्या कहता है, शुरू में क्या आया ना सर, हाँ या ना में जवाब दे सकते हो, नहीं, पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी क्या बात कही उसने कान में आके। तो लिखते हैं वह क्या कहता है, इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाट, क्या की इंग्लिश बनी, व्हाट। अच्छा डू या डस क्या आएगा, डज आएगा, क्यों आएगा, सिंगुलर है आप समझ चुके हो, व्हाट डज ही, और कहने की इंग्लिश होती है हमारी से, व्हाट डज ही से। हम कहां जाते हैं, अच्छा सब में देखो, देखो ती है, ता है, ते है, सब देखो दिमाग में वजह ढूंढते रहो कि प्रेजेंट डेफिनेट क्यों है। हम कहां जाते, कहां की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वेयर। सर राइटिंग ना इतनी अच्छी आ रही है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए थोड़ा सा मैं यहां से लिखूंगा वेयर, और हम की क्या आएगी इंग्लिश, डू हो जाएगी यहां पे, क्योंकि हम प्लूरल है इसलिए डू होगी, वेयर डू वी, और जाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गो, वेयर डू वी गो, वेयर डू वी गो, हम कहां जाते हैं। तो ये खत्म हुए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, जो भी इसका अगला पिछला था सारा हमने अच्छे से समझ लिया है। अब कोई भी सेंटेंस पूरी दुनिया में, कोई भी सेंटेंस जो आपके माइंड में आ सकता है, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको उसकी इंग्लिश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। सब समझ लिया है हमने, ओके। तो अब बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। दोस्तों हम टेंस पढ़ रहे हैं और गाइज अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, सर ये क्या कह रहे हो, जी हाँ ये रहे हो, रही हो, रहे हो, ये जितने भी हैं ये बता रहे हैं कि प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, और प्रेजेंट में जब भी कोई काम चल रहा हो, या मैं कह सकता हूं कि काम जब भी चल रहा हो, तो आपको करनी है दिल की बात। वो कैसे होगी जी, वो ऐसे होगी कि आप जब भी कंटिन्यूअस देखो, कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, अगर वो चल रहा है काम को चलते हुए दिखाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की फॉर्म लगाते हैं फर्स्ट, और उसके साथ लगा देते हैं आईएनजी, क्योंकि वो होती है उस सेंटेंस की दिल की धड़कन। अगर आप आईएनजी नहीं लगा रहे हो तो आप उसकी धड़कन रोक दोगे। तो याद रखना, अगर कंटिन्यूटी होगी तो हम लगाएंगे आईएनजी। एग्जांपल्स के साथ आप समझेंगे स्ट्रक्चर्स को। तो अफर्मेटिव अगर हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, अगर अफर्मेटिव हो तो हमें क्या करना है वो देखते हैं। अच्छा एक हिंदी में रटने वाली पहचान तो आप वही कर सकते हो कि आखिर में आवाज आएगी रहा है, रही है, रहे हैं, हम पहले ही समझ चुके हैं। और वैसे समझने के लिए ये देख लो कि कोई भी अगर प्रेजेंट में काम चल रहा हो तो उसमें आप ये रूल लगाओगे, सिंपल है, इसके अंदर ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का बनाते वक्त सब्जेक्ट ही रखेंगे, हम जानते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। अच्छा इंडेफिनेट में याद करो, देखो उसमें थोड़ा फर्क था, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव को छोड़ के अफर्मेटिव किसी का भी होगा तो ऐसे ही होगा, सब्जेक्ट और उसके बाद आएगी उसकी हेल्पिंग वर्ब।
चलिए ये तो एडवांस बात थी, अभी हम आ जाते हैं बेसिक्स पे। सब्जेक्ट, उसके बाद रखेंगे इज एम आर, उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाएंगे ये दिल की धड़कन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ठीक है, तो इसको मैं यहां इससे जोड़ देता हूं ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ। ठीक है, तो यहां ये आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और उसके बाद सबके आखिर में ही आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो अफर्मेटिव का था, जल्दी से इसके एग्जाम्पल करके इसको भी हम सीख लेते हैं। अच्छा, मैं आ रहा हूं, मैं अभी प्रेजेंट में टाइम में अभी आ रहा हूं, तो इसके लिए क्या स्ट्रक्चर लगाऊं? सिंपल है, सब्जेक्ट रखू, मैं का क्या बनाऊंगा? मैं का हो जाएगा आई, आई के साथ हमने पढ़ा के एम आ जाएगा, और इसके अंदर वर्ब क्या है? कम, और साथ में क्या लगेगा? आई एन जी, आई एम कमिंग। अच्छा, ये तो छोटा सा सेंटेंस था, अब मेरी दिक्कत ये है मैं आपको बहुत लंबे लंबे सेंटेंस यहां अभी नहीं करा सकता। फिर आप पूछोगे सर यहां टू कैसा आया, या यहां ये कैसा आया, वो कैसे आया, और आप उसमें फंस जाओगे। तो अब ये छोटे जरूर करा रहे हैं हम, लेकिन आपको याद रखना है सेंटेंस कितना ही बड़ा हो रूल यही लगेगा। तो शॉर्ट में समझते हैं हम। अब जैसे आई एम कमिंग था, अगर मैं बोलूं कि मैं दिल्ली से आ रहा हूं, तो मैं ये भी कर सकता हूं आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। जब मैं घर से आ रहा हूं आई एम कमिंग फ्रॉम होम। अगर मैं स्कूल से आ रहा हूं, तो कोई भी अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। लास्ट में क्या आ रहा है वो मैटर नहीं करता, वो हमारा ऑब्जेक्ट है एज इट इज, उसकी इंग्लिश बना देना। ठीक है, रूल यही रहेगा आपका। अगला है हमारा वह एग्जाम की तैयारी कर रही है, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, प्रैक्टिकल सेंटेंस है, इसको बनाते आओ जल्दी से। रही है लास्ट में आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लगाओ फॉर्मूला, सब्जेक्ट वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही लिख दू, हाँ जी ही लिख दो, अरे क्यों लिख दू, लड़की है शी लिख दो, तो शी हो गया, शी के साथ इज लगा दू, लगा दो, सिंगुलर्स के साथ इज आता है। अच्छा, उसके बाद वर्ब क्या है इसके अंदर? तैयारी करना, एग्जाम की तैयारी करना, उसके लिए आ जाएगा प्रिपेयरिंग। ठीक है, शी इज प्रिपेयरिंग, आई एन जी लगाई, दिल की धड़कन, मैं दिल बना देता हूं ताकि याद रहे आपको इन सबके आगे, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। ठीक है, ठीक है, ये भी हमारा हो गया, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, रहे हो लास्ट में आया, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, बनाते इसको भी, तुम की इंग्लिश हो जाएगी, यू, यू प्लूरल होता है, प्लूरल्स के साथ क्या आ जाएगा? आर आएगा, यू आर, वर्ब क्या है इसमें? सोचना, सोचने की इंग्लिश होती है बच्चों थिंक, और थिंक के साथ क्या लगेगा? आई एन जी, दिल लग जाएगा, शी इज थिंकिंग अबाउट, बारे में के लिए आ गया अबाउट, और हमारे के लिए आ जाएगा अस, शी इज थिंकिंग, यू आर थिंकिंग अबाउट अस, सॉरी यू आर थिंकिंग अबाउट अस। ओके, सो ये हमने अफर्मेटिव देखे, अब बारी आती है नेगेटिव की। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ नॉट लग जाएगा एज इट इज, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव देखा था। तो इसमें भी हम जल्दी से इन एग्जांपल्स को कर लेते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, तुम्हारा भाई इसमें क्या है? सब्जेक्ट, तो लिखते हैं योर ब्रदर। अब ब्रदर सिंगुलर है कि प्लूरल है? भाई योर ब्रदर, तुम्हारा भाई एक है, एक है जी, तो लिख दूंगा इज, योर ब्रदर इज नॉट, वर्ब क्या होगी इसके साथ? बुलाने को बोलते हैं कॉल, लग जाएगा आई एन जी, योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू, इसकी इंग्लिश ये बनी। अगला एग्जांपल है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं, तो आई एम, आई के साथ एम लगाया, नॉट सबके साथ लग नहीं है, वर्ब है कम, और साथ में क्या लगा? आई एन जी, आई एम नॉट कमिंग, और साथ के लिए आ गया विथ यू, आई एम नॉट कमिंग विथ यू, वह मुझे नहीं समझ रहा है। अब इसके लिए क्या आ जाएगा समझने के लिए? ही इज नॉट गेटिंग, और मुझे के लिए आ गया मी, ही इज नॉट गेटिंग मी। तो ये हमने अभी अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा, अब देखेंगे इंटरोगेटिव। गाइज, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई सवाल पूछा जा रहा है, मान लीजिए सवाल इस तरह से है, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम हंस रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, या तुम क्यों सो रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, इस तरह के अगर हिंदी में सेंटेंस बोले जाएं, तो उनकी इंग्लिश कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले तो रखेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ जाएगी, सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दिल को मत भूलिएगा, दिल की बात हमेशा साथ, अब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर, अब एग्जांपल है, उनकी मदद से इसको और अच्छे से समझते हैं। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, आखिर में रहे हो आ रहा है, तो समझ ही जाना चाहिए ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, और इज एम आर में सबसे पहले लगा दूंगा। अब तुम क्या होता है? प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ आ रहा है, तो आइए इसको कर लेते हैं।
क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, सबसे पहले लगा दिया आर, उसके बाद आया सब्जेक्ट आर यू, और बात करने की इंग्लिश ही होती है टॉक, और साथ में लग जाएगा आईएनजी, आर यू टॉकिंग टू मी। तो ये बनी इसकी इंग्लिश आर यू टॉकिंग टू मी। नेक्स्ट है हमारा क्या वह अपने घर जा रही है, इसमें वह को देख के दिमाग में आया वह होता है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ लगा दूंगा मैं इज, इज शी गोइंग टू, उसके घर के लिए क्या आ जाएगा हर होम, अपना घर यानी उसका घर, इज शी गोइंग टू हर होम, ये भी हो गया। अगला है हमारा क्या तुम अपना बर्थडे मना रहे हो, पूछ रहे हैं भाई बर्थडे मना रहे हो कि नहीं, तो क्या आ जाएगा आर यू, मनाना कोई त्योहार मनाना हो बर्थडे मनाना उसके लिए आता है सेलिब्रेट, आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। तो ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, बाकी दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप बनाना चाहो किसी भी वर्ब का इस्तेमाल करते हुए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल यही रहेंगे, आपका आंसर्स अकॉर्डिंगली यही रहेगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर हम करवा रहे हैं उसको आप कहीं नोट कर लो, आप बहुत साफ साफ नोट करके उसे लिख लो, फिलहाल इतना कर लो, जब ये सारे आप स्ट्रक्चर्स नोट कर लोगे तो उसके बाद जब इन्हें कभी भी लेके बैठोगे ना आप कुछ चुटकियों में समझ जाओगे, आपकी रिविजन खुद हो जाने वाली है, तो इनको नोट कर लो। बहुत आराम से देख रहे हैं हम, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, कॉन्सेप्चुअल चलते हैं। अब आते हैं डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव में क्या है, कुछ भी नहीं, बस इज एम आर से पहले डब्ल्यू एच फैमिली लगानी है, वही करते हैं, आओ जल्दी से। तुम आज रात कहां जा रहे हो, तो क्या आ जाएगा वेयर, कहां की इंग्लिश हुई वेयर, और फिर वही बाकी का तो ये ऊपर वाला ही आ जाएगा वेयर, इज एम आर में से लगाया आर, वेयर आर यू गोइंग, और आज रात के लिए आ गया टुनाइट, मैं तो कहीं नहीं जा रहा आज रात, आपका पता नहीं, वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहे हो आप बात, तो इसके लिए क्या हो जाएगा वाई, क्योंकि इंग्लिश बनती है वाई, डब्ल्यू एच फैमिली आपको लगा देना है वाई, फिर क्या है वह मुझसे, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा, हम लिखेंगे इज, वाई इज ही नॉट, बात करने की इंग्लिश हुई टॉक, आई एन जी लगेगा टू मी। ओके नेक्स्ट है हमारा तुम कौन सा फोन यूज कर रहे हो जरा बताओ तो हमें, तो उसके लिए क्या आ जाएगा कौन सा के लिए आ जाएगा विच, और विच जब लगता है तो ऑब्जेक्ट भी साथ में आ जाता है, विच फोन आर यू यूजिंग। तो ये हमने देखे कुछ एग्जांपल्स इसके इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी विद रीजंस विद आंसर्स कंप्लीट हो चुका है। Guys, it's time to learn present perfect tense. यानी काम present में है और वो perfect हो गया. Perfect को सोचते ही दिमाग में आना चाहिए आमिर खान, Mr. Perfectionist. यानी कोई उसमें अब कमी पेशी नहीं बची है, वो काम तो complete हो गया. यानी कोई भी sentence अगर मैं बोलता हूं और उसमें मैं कहना चाहता हूं कि ये काम पूरा हो चुका है, तो मैं लगाऊंगा वहां perfect tense. टाइमिंग कौन सी है, ये प्रेजेंट वाली है, बस इतनी सी बात है। प्रेजेंट की कौन सी फॉर्म लगेगी, हैज हैव, यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट में है। और परफेक्ट कैसे पता चलेगा, जी हाँ परफेक्ट देखते हैं चार्ट से, परफेक्ट पता चलेगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से। कॉन्सेप्ट तो यहीं पे ही हो गया खत्म, अब आप तो बहुत समझदार बन गए हो, बहुत इंटेलिजेंट हो गए, मुझे भी सिखा दोगे, तो अब बता दो कि कैसे कैसे क्या होना है, आइए मेरे साथ और इसको करते हैं जल्दी से पैकअप। अफर्मेटिव में क्या होगा वो देखते हैं। अच्छा इससे पहले एक छोटी सी बात, हैज किसके साथ और हैव किसके साथ, सर हैज में कम अक्षर हैं तो ये सिंगुलर के साथ, हैव में ज्यादा अक्षर हैं ये प्लूरल के साथ, लेकिन आई के साथ हैव ही लगेगा, बस ये एक एक्सेप्शन है, ये याद रख लेना है, ठीक है, इस तरह इसको भी याद रख लोगे। और वही अफर्मेटिव शुरुआत में तो सब्जेक्ट ही आएगा, जी हाँ सब्जेक्ट ही आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हाँ आती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, हैज हुई, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म यहां से आ गई, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल करते हैं जल्दी से, मैं खाना खा चुका हूं। अच्छा हिंदी में भी तो पहचान बता दो सर, हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हो, लिया है, दिया है, मतलब ऐसा ये जो कुछ फॉर्म्स हैं जो मैंने आपको हिंदी में बताई हैं, असल में तो आपको सर यही देखना पड़ेगा कि काम पूरा हो जाए।
आप कहना अगर ये चाहते हो कि मैंने ये पर्टिकुलर काम, ये कोई भी वर्ब मैंने कंप्लीट कर ली है, जैसे मैंने कहा मैंने ताजमहल देखा हुआ है, तो यानी वो काम मैंने पूरा किया हुआ है। मैंने मैंने जैसे पानी पी लिया है, तो पानी पी लिया सर, वो काम पूरा हो गया है, तो वो दिमाग में रखना। तो रटने की कोई, ये इनिशियल स्टेज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो मैं खाना खा चुका हूं, यानी खाने खाने का काम कंप्लीट कर लिया है, वो रटने वाली बात आ गई, चुका हूं लास्ट मारा है, बनाते हैं इसको। आइए, मैं के लिए क्या आ जाएगा, आई, आई के साथ मैंने लगा दिया हैव, क्योंकि प्लूर आई के साथ हैव आता है। और फिर क्या है, वर्ब है, खाना खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, सेकेंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन, आई हैव ईटन द फूड। ये बन गया जी मेरा सेंटेंस, इंग्लिश बन गई। हम उससे मिल चुके हैं, सब्जेक्ट क्या, वी, साथ में क्या आएगा, हैव, सर हैज लगाओ ना, अरे क्यों लगाऊं, प्लूरल के साथ तो हैव आता है। मीट की थर्ड फॉर्म होती है मैट, वी हैव मैट, और साथ में क्या लगा दिया मेरा, हिम, हर भी आ सकता है, लड़का लड़की देखना पड़ेगा। वह तुमसे मिल चुका है, वो पहले मिला हुआ है आपसे, तो यानी वो काम हो चुका है पूरा, तो वह तुमसे मिल चुका है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, लड़का है तो क्या आएगा, ही हैज मैट यू। ये कुछ एग्जांपल्स हमने कर लिए, इसके नेगेटिव पे आ जाते हैं। नेगेटिव में और इसमें फर्क क्या होगा, आप खुद सोचो दिमाग से, नेगेटिव में और इसमें फर्क क्या होगा, कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ लग जाएगा नॉट, लगेगा NOT, नॉट। तो अब ये दो एग्जांपल मैंने आपके लिए दे दिए, ये मैं नहीं करूंगा, ये आप मुझे करके बताओगे, कुछ नहीं करना है, हैज हैव के बाद बस नॉट लगा देना। आपकी हिंट के लिए वर्ब की फॉर्म बता देता हूं, देखने की इंग्लिश हो जाती है सीन, और पहुंचने की इंग्लिश हो जाएगी, थर्ड फॉर्म लिख रहा हूं मैं यहां पे आपके लिए, रीच्ड। तो ये है, ये क्या है, थर्ड फॉर्म, तो आपको अगर दिक्कत आएगी तो इसमें आएगी, ये मैंने आपके लिए लिख दी फॉर्म, ये है थर्ड। दोस्तों इसका इंटरोगेटिव और देख लेते हैं, इंटरोगेटिव में भी क्या होगा, अब आप तो खुद बनाओगे स्ट्रक्चर, क्योंकि आप जानते हो कि कैसे बनना है। इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आया कि शुरुआत में क्या आनी चाहिए, उसकी हेल्पिंग वर्ब, हाँ जी हेल्पिंग वर्ब रख दी क्या, हाँ रख दी जी, हैज हैव आ गया। सब्जेक्ट लगाना होता है उसके बाद, सब्जेक्ट रखा, हाँ सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लगती है, मेन वर्ब लगती है, हाँ मेन वर्ब लगती है, लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट है इसके लिए लगा दो फॉर्म थर्ड, लगा दी थर्ड, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, रख दिया, हाँ जी रख दिया ऑब्जेक्ट, बन गया स्ट्रक्चर, रटा तो है ही नहीं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं जल्दी से, उसकी इंग्लिश भी बना देते हैं। एग्जांपल क्या, क्या तुम मैच जीत चुके हो, यानी मैच जीतने का काम खत्म हो गया है, तो बनाएंगे इसकी। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या है, यू, इसके लिए क्या आ जाएगा, हैव, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और जीतने की इंग्लिश होती है विन, वॉन, तो हैव यू वॉन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, हैव यू वॉन द मैच। अच्छा, अगला एग्जांपल है, क्या तुमने काम कर लिया है, जो आप काम कर रहे थे, जो काम करते हो, वो काम क्या आपने पूरा कर लिया है, प्रेजेंट में पहले से चल रहा था और आपने फिनिश कर लिया है, तो हम बोलेंगे चाहिए व्हाट कीवर्ड है। याद रखना कि जो परफेक्ट होगा ना, ये है की आवाज निकलेगी, क्योंकि प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, अगर था की आवाज निकली फिर वो प्रेजेंट का नहीं होगा, ये हमें माइंड में रखना है। जितने भी प्रेजेंट टेंस होंगे उनकी आवाज, हिंदी की अगर मैं बात करूं तो है में आएगी, है, हूं, हो, ये बहुत जनरल बात है, साधारण, अगर आप इस पर गौर नहीं करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, क्या तुमने काम कर लिया, शुरू में तो है भी आएगा, Have you, और करने की इंग्लिश होती है डू, और थर्ड फॉर्म होती है डन, हैव यू डन द वर्क, सर ये भी हो गया। अब कोई भी एग्जाम्पल आपकी मर्जी से, आप उसकी हिंदी लिखो और इंग्लिश बना दो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अच्छा, इसके डबल इंटरोगेटिव होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे, डबल इंटरोगेटिव में क्या चेंज होगा, सर कोई चेंज नहीं होने वाला, डबल इंटरोगेटिव में हम बस क्या करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर जो है ये हमारा ये वाला, उससे पहले हम लिखने वाले हैं WH फैमिली, जो हम करते भी हैं, लगा दो WH फैमिली। अच्छा, अपनी कॉपीज में आप अलग अलग ही लिखना, ये तो मैंने अपनी सुविधा के लिए, यहां थोड़ा सा मैं सेल्फिश हो रहा हूं, अपनी सुविधा के लिए कि दोबारा ना लिखना पड़े, मैं यहां से इसको रब करके लिख रहा हूं, आप अलग अलग लिखोगे। अच्छा, और एग्जांपल में क्या हो जाएगा, शुरू में क्या नहीं आएगा, और क्या कहां पर आएगा, क्या तुम मैच जीत चुके हो, हम कह देंगे तुम कब, हमने इसको बना दिया कब, तुम कब मैच जीत चुके हो, क्या तुमने काम कर लिया को हमने कह दिया तुमने काम कैसे कर लिया है,
ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाया, आप भी अपनी मर्जी का कोई भी सेंटेंस, जी हां रूल लगाओ और बना लो ना, अब तो आप मालिक हो गए, आप राजा बन गए हो, आपको सब पता चल गया है कि कैसे करना है, अब इंग्लिश में डर नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं, अब तो पढ़ा सकते हो। तुमने अब ये बनाया हमने, तुमने काम कैसे कर लिया, अब इसकी इंग्लिश में क्या फर्क आ जाएगा, कोई फर्क आएगा? देखो जादू, जादू कुछ नहीं करूंगा मैं क्या कर दूंगा, कब की इंग्लिश क्या होती है, वैन, मैंने इसके आगे बस वैन जोड़ दिया, चलो लो साफ साफ लिख देते हैं, यहां पे लिख देंगे वैन, बस जादू। इसमें क्या करूंगा, पूरा मिटाऊं, मैं तो नहीं मिटा रहा, तुमने काम कैसे कर लिया को मैं कर दूंगा हाउ, बस ये तो फर्क है। तो ये बन गए हमारे डबल इंटरोगेटिव, तो ये डबल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर था, और इस तरह ये करते हुए हमने बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी परफेक्टली खत्म कर लिया है। अब बारी आई है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसके बारे में हमने कहा था कि ये खामा खाम में टेंस को बढ़ा देने वाली बात है, इसके टाइप का कोई खास रेलेवेंस नहीं है, इस्तेमाल करने में भी काफी कम इस्तेमाल होता है ये टेंस, लेकिन इस्तेमाल होता है ये इंपॉर्टेंट है, तो हमें सब कुछ पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंफ्यूज करने के लिए बहुत बढ़िया ये टेंस है, क्योंकि इसके नाम में दोनों ही आ जाते हैं, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी। अब सर हम क्या समझें इसको, तो आप ये समझें कि ये जो कंटिन्यूअस टेंस है जो कि परफेक्ट है, इसको लिख भी लो कि ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस है जो कि परफेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो इसकी कंटिन्यूटी है ना, ये जो दिल की धड़कन चल रही है, तक धक 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 ये जो हो रहा है, वो एक सिस्टमैटिक मैनर में हो रहा है, यानी हमें मालूम है कि ये कब से चल रही है, तो इसलिए इसका नाम दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि हमें मालूम है कि ये काम कब से चल रहा है, इसकी टाइमिंग हमें पता है। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कौन सा टेंस है, आपने जैसे ही देखा समझ में आया और एकदम आपने फटेक आंसर दिया कि ये तो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, मैंने कहा वेरी गुड। मैंने आपसे फिर कहा कि अब एक और एग्जांपल सुनो, मैंने आपसे कहा कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, अब ये कौन सा टेंस है, आपने फिर जोश के साथ कहा सर ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने कहा गलत जवाब, आप फंस गए, अब मछली फंसी जाल में, यही फंसते हैं हम एग्जाम में, क्योंकि जब हमने कहा कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि मुझे मालूम है कि मैं पढ़ाने का काम कब से कर रहा हूं, कि ये कंटिन्यूटी जो है वो मुझे मालूम है, यही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कि हमें जब मालूम हो कि कोई काम चल रहा है और वो कब से चल रहा है, तो ये जो ये लैंडमार्क समझ लो इसको, या कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है, तो आप उसको कौन सा टेंस बोलेंगे, बोलेंगे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो यहां परफेक्ट का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया, फिर से वही वाली बात कि हमने इसमें लॉजिक देखा, हमें पता चला कि इसका नाम ये क्यों है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैज बीन और हैव बीन। अब हैज बीन और हैव बीन किसके साथ आएगा, तो आप बहुत समझदार हो, हैज बीन, तो हैज हमने अब तक कहां लगाया था, सिंगुलर्स के साथ, वही रूल है, हैज बीन लगा दो सिंगुलर्स के साथ, हैव बीन किसके साथ आएगा, अरे वही रूल है प्लूरल्स के साथ और आई के साथ, कोई बदलाव नहीं है। आगे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, फिर आप अपनी कलाकारी दिखाओ, आपके अंदर का साइंटिस्ट फिर से निकल के आएगा और कहेगा कि अफर्मेटिव अगर सेंटेंस का टाइप है तो मैं सबसे पहले इंग्लिश बना दूंगा सब्जेक्ट की। वेरी गुड, सब्जेक्ट सबसे पहले रख दो, उसके बाद रखूंगा मैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जरा संभल के दोस्त, क्योंकि यहां हैज हैव के बाद बीन है, पूरा हैज बीन इकट्ठा नहीं आएगा, इनको जुदा कर दिया गया, हैज बीन को जुदा कर दिया गया। ठीक है, तो हैज हैव लगाओगे फिर बीन आएगा, और फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी चाहिए, यहां फर्स्ट लिखा है, सर फर्स्ट क्यों लिखा, ये तो परफेक्ट था, नहीं भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस था, काम तो चल रहा है और जब भी काम चल रहा हो मुझे मालूम है आएगी तो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। क्या हमने अच्छे से समझा इसको, बिल्कुल, तो यहां आ गया आईएनजी और मेन वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और एक मजेदार बात क्या आ जाएगी कि लास्ट में आएगा सिंसिया फोर। अब ये क्या है उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। आइए एग्जांपल को देखते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। अच्छा सर, इसकी कोई पहचान तो बता ही नहीं, हिंदी में कैसे पहचानेंगे? हिंदी में ऐसे पहचानेंगे कि काम तो चल रहा होगा लेकिन कोई टाइम दिया हुआ होगा कि इस टाइम से चल रहा है। जैसे ही टाइमिंग दी हो तो दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि सर ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, रूल वो वाले लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैक इंग्लिश बना लेता हूं। मैक इंग्लिश क्या होगी? मैक इंग्लिश बन जाएगी आई, और आई के साथ क्या आएगा आपका? आई के साथ आपका आएगा हैव बीन, और फिर क्या आएगी? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? इंतजार करना, आई हैव बीन। वेट, और वेट के साथ क्या लग जाएगा? आई एन जी, वेटिंग फॉर यू। और लास्ट में सिंस फोर का इस्तेमाल है, वो कैसे होगा? तो गाइज यहां पर एक टाइमिंग दी गई होती है कि नहीं? हां, सुबह शाम रात, दो घंटा, एक महीना, 1960, 2000, दो मिनट, कोई भी टाइमिंग दी गई होगी, उस टाइमिंग से पहले लग जाएगा सिंस या फोर। अब एक और सवाल, सिंस किसके साथ, फोर किसके साथ? सिंस आएगा डेफिनेट टाइमिंग्स के साथ, जो टाइमिंग पक्की है, मुझे पता है, यानी जिन्हें मैं अच्छे से समझ सकता हूं, हाँ ये यही है, एग्जैक्टली यही है। इसका मतलब क्या? जैसे मैंने कोई तारीख बोली, मैंने कहा 24 अक्टूबर 1960, अब ये तारीख पक्की है। मैंने कहा 10 दिन, क्या ये पक्की है? 10 दिन कहां देखते हो? 10 दिन तो कोई भी हो सकते हैं। लेकिन जब मैंने कहा कि 24 अक्टूबर 1960 ये पक्की टाइमिंग है, तो पक्की टाइमिंग्स के लिए आप लगाओगे सेंस, और जो पक्की नहीं है उसके लिए लगाओगे फोर। इसको भी एग्जांपल्स करते हुए हम और अच्छे से समझते हैं। तो यहां पर क्या था, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। सुबह को हम मानते हैं एक पक्की टाइमिंग, क्योंकि डेफिनेट है कि सुबह एक डेफिनेट टाइमिंग है, सुबह रात शाम इन सबके साथ लगेगा सेंस। तो आप क्या आएगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, लगा सेंस, और फिर वो टाइमिंग आ गई सेंस मॉर्निंग। आइए अब अगला देख लेते हैं, वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। अब इसमें भी कोशिश कर रहा है, कब से कर रहा है? 2 दिन से कोशिश कर रहा है। लिखो ना, ही हैज बीन लिख दूं, बिल्कुल लिख दो। उसके बाद कोशिश करने की ट्राई, ट्राई के साथ क्या लग जाएगा? ट्राइंग, ही हैज बीन ट्राइंग। अच्छा 2 दिन है, अब सिंस लगाऊं कि फोर लगाऊं? मैं लगाऊंगा रूल, जी हां, रूल के हिसाब से चलूंगा। अब ये जो 2 दिन है, क्या पक्की टाइमिंग है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? 2 दिन कौन से, ये मुझे मालूम नहीं है। अगर यहां लिखा हुआ होता कि 2 दिसंबर, तो मैं कहता हां 2 दिसंबर तो कैलेंडर की एक पक्की डेट है, लेकिन 2 दिन तो कोई भी हो सकते, मुझे मालूम ही नहीं है। तो मैं यहां क्या लगाऊंगा, ही हैज बीन ट्राइंग फॉर 2 days। तो ये भी हमने कर लिया जी। अगला सेंटेंस है, तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो, तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो। दिल्ली में तो रह रहे हो, कंटिन्यूअस तो है, लेकिन 1980 से है, तो ये हुआ हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको बनाते हैं ना, तो तुम की इंग्लिश तो मैं क्या लिख दूंगा, यू। यू के साथ हैज बीन लगा देता हूं, नहीं ना, यू के साथ लगेगा हैव बीन, ठीक है, बिल्कुल सही बात, यू के साथ लगेगा हैव बीन, क्योंकि ये प्लूरल है। यू हैव बीन रहने की इंग्लिश होती है लिव, रिसाइड, जो भी आप लगाना चाहो। यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, और अब क्या लगा दूं, 1980 है, सिंस लगाऊं के फोर, आपको मालूम ही है 1980 एक पक्की टाइमिंग है, सिंस लगा दोगे सिंस 1980। तो इस तरह हमने इन एग्जांपल्स की मदद से इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया। इसमें आपके कहीं ना कहीं सिंस वर्सेस फोर की प्रेपोजिशन के रूल भी साथ में खत्म हो रहे हैं, तो ध्यान से इसको आप एक बार पढ़ लेना। अब आ जाते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव की तरफ क्या चेंज होगा? कुछ भी नहीं, नॉट लगता है, बस वही रूल जो अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं ना हम, वही लगेगा। बस नॉट में भी थोड़ा सा दिक्कत है, बीन के बीच में नॉट लगेगा। आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। स्कूल तो आ ही नहीं रहा है, वो तो ठीक है भाई, ना आने का काम तो चल रहा है भाई साहब, लेकिन अगर 1 दिन की बात होती तो ठीक है, वो 2 दिन यानी टाइमिंग दे दी, 2 दिन से नहीं आ रहा। कहां जा रहा है आपका लड़का? तो देखते हैं कहां जा रहा है आपका बेटा, 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। बनाते हैं इसकी इंग्लिश, योर सन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, योर सन आपका लड़का एक है। क्या लिखा मैंने? हैज बीन, हैज लगा दिया। अच्छा गलती हो गई, नॉट तो सर आपने लगाया ही नहीं, तो इसको हटाओ और लिखो क्या? नॉट, Your son has not been,
और आने की इंग्लिश क्या होती है? कमिंग. योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल. और कब से नहीं आ रहा? दो दिन से. कौन से दो दिन? मुझे मालूम नहीं है. तो क्या लिखूंगा? फोर टू डेज. सिंपल. आगे आ जाओ. प्रियंका शाम से अपना लेसन याद कर रही है. कब से लेसन याद कर रही है सर? शाम से याद कर रही है. उसे अब तक याद नहीं हुआ है. ठीक है, इसकी बना लेते हैं. क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश? यहां लिख देते हैं साफ साफ प्रियंका. और प्रियंका सिंगुलर है तो मैंने इसलिए लगाया इसके साथ हैज नॉट बीन. याद करने की इंग्लिश होती है लर्न. और लर्न के लिए क्या लग जाता है? आईएनजी लगेगा. क्यों लग जाता है जी? क्योंकि कंटिन्यूस है. हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन. और शाम से. शाम के लिए हमने पढ़ा डेफिनेट टाइमिंग. हम लगाएंगे सिंस इवनिंग. अच्छा देखो, एक बार इसको पढ़ के देखते कैसा लगता है. प्रियंका हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस इवनिंग. ऐसा लग रहा है कि आपने तो पता नहीं कौन सा सेंटेंस बोल दिया. यही होता है आपके साथ. कोई भी अगर आपसे ये सेंटेंस बोल देता है तो आपको लगने लगता है पता नहीं उसने कितनी हाई क्लास की इंग्लिश बोल दी, बड़ी एडवांस बोल दी. हमारे तो सर पे बाउंसर गया. सर आप भी यही बोलोगे, इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी चीजें हैं. तो इसको अच्छे से समझ लो, घोट लो, पक्का कर लो और यूज करना शुरू कर दो. अच्छा, इसके इंटरोगेटिव होंगे? बिल्कुल होंगे. रूल वही वाला, वही पुराना रूल. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. जी हाँ, सबसे पहले हैज हैव लगाया कि नहीं? लगा दिया. फिर लेकिन सब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद बीच में बीन आएगा. तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लिटिल सा, वो आप देख लेना. बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही आईएनजी रहेगी, ऑब्जेक्ट प्लस सेंस. एग्जांपल के साथ समझेंगे. क्या तुम 10 साल से यहां काम कर रहे हो? 10 साल दिमाग में घंटी बजनी चाहिए. क्यों? ये यहां पे 10 साल एक टाइमिंग आ गई, इसलिए हम बोलेंगे कि ये कौन सा कंटिन्यूस है? परफेक्ट कंटिन्यूस है. इसकी इंग्लिश बनाते हैं. शुरू में ही क्या आ गया? यानी नॉर्मल इंटरोगेटिव है. तो अब इसके आगे हम सबसे पहले लिखेंगे हैव यू बीन वर्किंग हियर. और 10 साल के लिए क्या लगा दूं? सिंस लगा दूं क्या? नहीं सर, सिंस नहीं आएगा. यहां आएगा फोर. क्यों आएगा? क्योंकि 10 साल पक्की टाइमिंग नहीं है और पक्की टाइमिंग के लिए हम क्या लगाते हैं? फोर. अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल. अगर यहां पर 10 साल ना होता और यहां होता 10 जनवरी, तो क्या फोर लगा रहता? अगर हमारे क्वेश्चन में 10 साल की जगह लिखा होता 10 जनवरी, 10 साल की जगह लिखा होता 10 जनवरी, तो क्या सेंटेंस यही बना रहता? जी, 10 जनवरी कोई पक्की टाइमिंग है, डेफिनेट है, कैलेंडर में दिखती है, बिल्कुल दिखती है. क्या यहां पे सिंस लगना चाहिए? जी हां, लगना चाहिए. तो लगा देंगे, फोर हटा देंगे इस कंडीशन में. यहां फोर हटा देंगे, यहां क्या लग जाएगा? फिर सिंस लग जाएगा. तो ये तो इंटरोगेटिव था. अच्छा, डबल इंटरोगेटिव कराने की क्या मुझे जरूरत है इसके अंदर? डबल इंटरोगेटिव पहली बात तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसका रेयरली इस्तेमाल होता है. स्टिल आपको हम स्ट्रक्चर बता देते हैं. स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप एक बार बना के जरूर देख लीजिएगा. स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चेंज है. स्ट्रक्चर में इतना बड़ा चेंज है कि आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, आपके कानों में से धुएं निकलने लगेंगे. बहुत बड़ा चेंज. अब देखते हैं क्या होगा. जल्दी से देखिए, हैज हैव पूरा रब करते हैं और जल्दी से हम कर लेते हैं. हां, हो गया. आप डब्ल्यू एच फैमिली लगा देंगे और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा. ठीक है, थैंक यू. दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की. पास्ट इंडेफिनिट वर्ड सुनते ही दिमाग में क्या आया? ये आया कि काम जो हुआ है उसकी टाइमिंग तो है पास्ट में, यानी बीते हुए कल में. और वो काम कितना हुआ है? वो है इंडेफिनिट, यानी वो डेफिनेट नहीं है. मुझे मालूम नहीं है कि कितना हुआ है. आमतौर पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम वो बातें करते हैं कि जो हमने पास्ट में कोई काम किया उसे हम अब बता देते हैं. ये वाली जो बातें होंगे, ये वाले जो सेंटेंसेस होंगे, वो बनते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. अच्छा, इसके और आगे बात करने से पहले मैं आपको एक बात पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसके अंदर जो फॉर्म यूज होती है वो होती है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब.
पास्ट इंडेफिनिट के अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी सेकंड, जो हमारी तीन फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें जो सेकंड होगी वो होगी पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल। अच्छा एक बात और, इसको याद कैसे रखोगे? इसको याद रखना ना बहुत ही आसान काम है। वो कैसे कि जो हमारी तीनों फॉर्म हुई उसमें फर्स्ट और थर्ड का तो बहुत जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो सेकंड फॉर्म होती है ना, सेकंड फॉर्म का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल पूरी इंग्लिश के अंदर सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में होता है। मैं ये कह सकता हूं कि सेकंड फॉर्म बनाई ही गई है इस पास्ट इंडेफिनिट के लिए। तो ये याद रखना बहुत आसान काम है, बहुत स्पेशल टेंस है। अच्छा इसकी बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कितना होता है। पास्ट इंडेफिनिट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कैसे? क्योंकि हम लोगों की टेंडेंसी होती है, ह्यूमन बींग्स की एक आदत होती है कि हम लोग बात करते हैं पुरानी, पिछली, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वहाँ गया, मैं ये घूमा, ये वो, जितनी भी आप अपनी बातें बताते हो, घटनाएं बताते हो, वो सब किस में बताते हो? आप पास्ट इंडेफिनिट में ही बताते हो। तो इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें। अच्छा अब एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है, वो क्या है? जब मैं इस चार्ट को देखता हूँ, यहां तो ये लिखा है कि अगर टेंस इंडेफिनिट हो तो फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी फर्स्ट। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं कहना ये चाहता हूं कि हमने तो ये पढ़ा है कि अगर कोई भी टेंस है वो इंडेफिनिट है तो उसके साथ फॉर्म तो लगेगी वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म कैसे आ गई? इसका जवाब ये है कि सिर्फ ये ही एक टेंस है, ये ही एक टेंस है जिसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि इंडेफिनिट तो है लेकिन फॉर्म लगेगी सेकंड। तो हमने ये पढ़ा कि ये एक एक्सेप्शन है, इस रूल का सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है ये हमारा क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा एक्सेप्शन याद कैसे होगी? अरे याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बोला तो आपसे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल की जाएगी। ओके अब आगे बात करते हैं इसकी, पास्ट इंडेफिनिट की हिंदी में कैसे पहचान याद रखोगे। हिंदी में पहचान इसकी होती है कि कोई भी सेंटेंस जब हम हिंदी में बोलते हैं तो उसके आखिर में आवाज आती है आ, ई, ए, ओ, ता, था, ती, थी, ते, थे, इन पे खत्म होता है। ये तो हो गई रटने वाली बात। नॉर्मली मैंने बोला है कि कोई भी आपने घटना बताई कि ऐसा हुआ, मैं वहां गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने खाना खाया, हम उससे मिले, इस तरह के जो भी घटनाएं होती हैं, इवेंट्स होते हैं जो घट चुके होते हैं पास्ट में, उसको हम बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आइए एग्जाम्पल्स की मदद से हम इसको और अच्छे से समझते हैं। इसका अफर्मेटिव सबसे पहले देखेंगे। अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर होगा? अफर्मेटिव का अब तक आप बनाना जान चुके हो स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही आएगा। हाँ जी सब्जेक्ट ही आएगा। अच्छा फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी अब समझ में आ चुका है, हमने पढ़ा है कि पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है। अच्छा इसमें और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही है? हाँ एक सिमिलैरिटी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। हाँ इसके अंदर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इनका रिश्ता जरूर है। टाइम तो अलग है, वक्त तो इनका दूसरा है, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। बिल्कुल, तो इन दो ही टेंस में ऐसा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। तो अच्छा तो क्या मुझे एक और पहचान समझ में आई? हाँ अगर इंग्लिश पढ़ रहा हूं मैं, मान लो मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं और मुझे पहचान करनी है कि कौन से टेंस में इसकी हिंदी कैसे बनाऊं, तो उसका एक और तरीका भी निकल के आया मेरे पास। क्या? कि सब्जेक्ट हो कोई और उसके फौरन बाद, जस्ट उसके बाद में क्या हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि इसकी हिंदी जो भी बनेगी वो पास्ट इंडेफिनिट की बनेगी, यानी उसके आखिर में आ, ई, ए, ओ, ता, था, ती, थी, इस तरह की आवाज निकलेगी, वो काम ऐसे होगा। तो ये मैंने आपको बताई न्यूज़पेपर या क्वेश्चंस में इंग्लिश से हिंदी कैसे बना सकते हो, उसकी ये ट्रिक थी। तो नोट कर लेना, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना दोस्तों। ठीक है अब आगे देखेंगे, लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है तो ये तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था, अब इसके सेंटेंस की बात कर लेते हैं। सेंटेंस है वह आया, हम उससे मिले, पास्ट की बात है, हम उससे मिले, मुझे मेरे पापा ने बुलाया, मेरे पापा ने मुझे बुलाया। अच्छा अब वही पहचान जो हिंदी की रटने वाली बात ये हुई, हिंदी की ये कि देखो ये आया, आ की आवाज आई, उससे मिले ए की आवाज आई, मुझे मेरे पापा ने बुलाया, इसमें भी आ की आवाज आई। या कोई सेंटेंस हो सकता है कि मैं आपसे मिलना चाहता था, तो उसमें ता था आवाज आ जाती। ठीक है हम आपसे कहना चाहते थे, ते थे आवाज आ जाती। तो ये ता था, ये सब रटने वाली बात है। अगर आपको अभी इनिशियल स्टेज में दिक्कत आ रही है तो इस रटने वाली टेक्निक को भी आप अपना सकते हो। वैसे तो मुझे समझ में आ रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, अगर यहां पर है हो जाता, अगर यहां पे हूं हो जाता या है हो जाता, अगर कोई ऐसा होता जिसको जो प्रेजेंट की पहचान होता, क्योंकि है हूं है हो, ये जो ये तो प्रेजेंट की बात करते हैं, चलते हुए वक्त की बात करते हैं, जिस
प्रेजेंट टाइम में हम हैं, लेकिन यहां पर अगर ये ना हो तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट की बात होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा है, हूं, होगा। मैं कंपैरिजन क्यों करा रहा हूं आपको, इसलिए करा रहा हूं कि कोई भी डाउट, एक सिंगल डाउट भी ना रहे कि सर अगर यहां होता वह आया है, अगर है लगा हुआ होता तो पास्ट कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कभी भी है, हूं, है, हो तो पास्ट वो हो ही नहीं सकता। ये तो सिंपल सी बात है, लॉजिकल है, सेंस ऑफ ह्यूमर लगाओगे थोड़ा सा समझ में आएगा। अच्छा, हम उससे मिले, लेकिन यहां पर कुछ नहीं हो, अगर यहां कुछ नहीं हो तो समझ जाना कि ये पास्ट की बात है और पास्ट का इंडेफिनिट है। ओके, इसको बनाने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर रखा है। अब तो आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हो कि आप झट से बना दोगे इसको। आओ बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वह की इंग्लिश होगी हमारी ही। क्यों होगी सर, इसलिए होगी क्योंकि ही है लड़का। ओके, बनाते हैं इसको। तो यहां लिखा मैंने ही। अच्छा, सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी, आया। आया कम होती है फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म हो जाती है केम। तो ये सेंटेंस बन गया ही केम, दैट्स इट। अगले पे आते हैं, हम उससे मिले। हम सब्जेक्ट क्या है, हम वी। मिलने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, मीट, मैट। और उससे के लिए क्या हो जाएगा, हिम या फिर हर। मैं हिम लगा देता हूं। मुझे मेरे पापा ने बुलाया, किसको बुलाया, मुझे मेरे पापा ने। तो माई फादर सब्जेक्ट हुआ हमारा। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, बुलाना। बुलाने की इंग्लिश होती है कॉल, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड। माय फादर, और ये लिख दिया मैंने, कॉल्ड मी। कोई भी सेंटेंस आ जाए, अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको 50 सेंटेंस यहां पे कराऊं, लेकिन यही एक यूनिवर्सल रूल है। कोई घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी सेंटेंस आ जाए इसी तरह बनाना, स्ट्रक्चर अप्लाई करो, सब्जेक्ट रखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी चीजें जो भी आ जाए, जितने बड़ा सेंटेंस है वो लास्ट में रख दो। अब आ जाते हैं इसके नेगेटिव पे। अच्छा, नेगेटिव में क्या हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं करा, वही था, हेल्पिंग वर्ब थी और उसके साथ नॉट लगाया। अच्छा, लेकिन कुछ एक चीज है जो मेरे को समझनी है, वो चीज क्या है कि सर एक बात बताओ, यहां पे ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे, आपने तो बोला था सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। हाँ, बोला तो था सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन अब सुनो इसका आंसर। ये जो डिड लगा है, ये जो डिड लगा है, ये किसकी सेकंड फॉर्म है आप बताओ। ये तो डू की सेकंड फॉर्म है। आप जब भी वॉकैब खोलोगे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब में जाके देखोगे तो डू, डिड, डन होता है। यानी डिड क्या हुआ, ये हो गई सेकंड फॉर्म, आ गई ना सेकंड फॉर्म, आ गई सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहां पे हमने कहा कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और हां होती है, देखो प्रूफ, ये रही सेकंड फॉर्म। तो अब जब एक बार सेकंड फॉर्म लगा दी, तो मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म बार बार क्यों लगाओगे। टेंस के रूल्स पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि हमें पहचान हो जाए कि कोई बात कैसे हो रही है, कोई काम कितना हुआ, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। इसलिए तो नहीं पढ़ रहे ना, बार बार पहचान लगाते चले जाओगे। एक बार एक पहचान लगा दी, पहचान ये थी कि सेकंड फॉर्म थी, वो लग चुकी, अब बार बार लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस टेंस के पीछे ये जो पास्ट इंडेफिनिट है, एक आपको मजे की बात बताता हूं, अगर आप गूगल करना चाहो कर सकते हो। हुआ ये था कि हमारे मशहूर एक राइटर है, राइटर का नाम है चेतन भगत, जिन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड मूवी की जो नॉवेल है वो उन्होंने लिखा है, और भी कई सारे नॉवेल उन्होंने लिखे हैं। उनसे गलती से एक मिस्टेक हुई थी ट्विटर पे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये जो डिड था, डिड लगाने के बाद यहाँ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी थी, और उसके पीछे लोगों ने खाम खामे ट्रोल करना शुरू कर दिया था, जो कि एक कोई भी साधारण सा व्यक्ति कर सकता है, गलती कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं कि यहां सबसे ज्यादा गलती होती है, आप भी करोगे, लेकिन अब वीडियो देखने के बाद मत करना। यहां पर सेकंड फॉर्म बिल्कुल नहीं आएगी, यहां लग चुकी है एक बार सेकंड फॉर्म, दोबारा नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां बड़े बड़े लोग गलती कर सकते हैं, तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है, आप भी बड़े लोग हो, आप गलती मत करना। आते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की तरफ। मैंने झूठ नहीं बोला, कोई बात नहीं है, सारा वो ही कुछ है, लास्ट की पहचान देखो, मैंने झूठ नहीं बोला, आखिर में आवाज आई आ की, पास्ट में कोई काम हुआ था झूठ बोलने का, आपने कहा वो काम मैंने नहीं किया, तो लिखो आई, इसको हम लिखेंगे आई, और फिर डिड नॉट आ जाएगा, सबके साथ डिड आएगा, टेंशन खत्म हो जाती है यहां पे, कोई और दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं। आई डिड नॉट, और फिर क्या आएगा, झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल अ लाई, आई डिड नॉट टेल अ लाई, उसने फिल्म नहीं देखी, उसने फिल्म नहीं देखी, पास्ट में कोई फिल्म देखने का काम था जो उसने नहीं किया, तो लिखो उसने फिल्म नहीं देखी, आखिर में ई की आवाज आ रही है, ही, ये शी भी लगा सकते थे यहां पे, ही डिड नॉट, और फिल्म देखने को बोलेंगे वॉच द फिल्म। ओके, अगले आगे बढ़ते हैं। मिस्टर दीपक ने हमें नहीं पढ़ाया, सेंटेंस कुछ भी हो जाए, कोई सा भी आ जाए, हमें क्या दिक्कत है, कोई नाम आ जाए, दीपक आ जाए, रमेश आ जाए, सुरेश आ जाए, रवि आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। वर्ब कोई सी भी आ जाए, खाना पीना, हंसना रोना नहाना, कुछ भी, हमें क्या मतलब है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, पहचान देखनी, लगा देना, इंग्लिश बना दो, बन जाओ एक्सपर्ट।
आओ, मिस्टर दीपक ने हमें नहीं पढ़ाया, तो मिस्टर दीपक सब्जेक्ट है, लगाओ। फिर वर्ब क्या आएगी? डिड नॉट, और पढ़ाना टीच, और किसको नहीं पढ़ाया हमें? अस। मिस्टर दीपक डिड नॉट टीच अस। अच्छा कुछ एग्जांपल्स और समझ लो वर्बली, अफर्मेटिव के और नेगेटिव के। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है, मैं गया, तो इंग्लिश क्या बन जाएगी? आई वेंट, तुम आए, यू केम, ठीक है, हमने उसे बुलाया, वी कॉल्ड हिम, उसने कहा, ही सेड, मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, मैं घर वापस आया, आई रिटर्न्ड एट होम, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, हमने पूछा, वी आस्क्ड, कुछ भी, हमने खाना नहीं खाया, वी डिड नॉट ईट द फूड, मैंने क्रिकेट नहीं खेला, वी डिड नॉट प्ले द क्रिकेट। तो कुछ भी बना सकते हो वर्बली, अब कितने बोल सकते हो, लिखने में कितने ही लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव में क्या पढ़ रखा है हमने? कुछ भी नहीं। सबसे पहले क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड थी, डिड आ गई, सब्जेक्ट आना ही था। मेन वर्ब की फिर से फर्स्ट फॉर्म आएगी क्या? बिल्कुल आएगी, डिड आ गई ना, सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन आएगा। क्या तुमने यूट्यूब पर वीडियो देखी? देखो कुछ डिफरेंट सा एग्जांपल ले लिया, इसको बनाने में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं ना। क्या तुमने वीडियो यूट्यूब पर वीडियो देखी, लास्ट में ई की आवाज आई, ई ई की आवाज आई, पास्ट में देखने की बात हुई थी, ठीक है, बना दो इसको। डिड, फिर लिखो सब्जेक्ट, उसके बाद रखनी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखने क्या बोलते हैं, वॉच, और फिर क्या, वीडियो, डिड यू वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब, ऑन यूट्यूब, मार्क ऑफ इंटरोगेशन ये बन गया, डिड यू वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब। ओके, क्या उसने पढ़ाई की, क्या उसने पढ़ाई की, अच्छा नॉर्मल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इनका आंसर यस या नो वाला होता है, आपने पहले पढ़ रखा है इस चीज को। क्या उसने पढ़ाई की? डिड, फिर से डिड आ जाएगा, ही या शी आ जाएगा, डिड ही स्टडी, बस बात खत्म हो गई। क्या तुमने लिखा? Did you write? अच्छा इसके आगे कुछ भी होता, ऐसा होता कि क्या तुमने ब्लैकबोर्ड पे लिखा, तो क्या लिखते, इसकी इंग्लिश क्या बन जाती? Did you write on blackboard? क्या तुमने क्लास में लिखा? Did you write in the class? कुछ भी आगे कुछ भी हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं, आपको इतना सही करना है। तो ये हमने देखा affirmative, negative और interrogative, ठीक है। अब बचता है एक डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव का आपके लिए होमवर्क है, स्ट्रक्चर बना के दिखाना क्या हो सकता है, और वही कान से धुएं निकल जाएंगे और आपकी बिल्कुल हवा खराब होने वाली है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है डबल इंटरोगेटिव जी। यहाँ बहुत मुश्किल क्या होता है? कुछ नहीं होता जी, डिड से पहले क्या लग जाएगी? डब्ल्यू एच, फैमिली। और एग्जाम्पल क्या हो जा सकते हैं? तुमने मुझे क्यों बुलाया? व्हाई डिड यू कॉल मी? तुमने उससे क्या कहा? पास्ट में क्या कहा? व्हाट डिड यू से टू हिम? मैं तुमने उससे क्या पूछा? व्हाट डिड यू आस्क हिम? तुम वहां क्यों गए? व्हाई डिड यू गो देयर? ठीक है, तो ये सेंटेंसेस आप डब्ल्यू एच फैमिली के बना सकते हो। प्रैक्टिस के लिए 50 सेंटेंस बनाओ, 100 सेंटेंस बनाओ, लेकिन एक बार आज ये वीडियो देखने के बाद बना जरूर लेना, और इस पे कमांड हासिल करना। पास्ट इंडेफिनिट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। कभी भी अपनी कोई स्टोरी बताओगे, कुछ भी बताओगे, इंटरव्यू में बैठे हो, कहीं कुछ लिख रहे हो, ये इस्तेमाल बहुत होना है। तो ये हमने आज देखा, बड़े अच्छे से समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे जब हम पहुंच गए हैं ना, तो यानी हमने अपना काम बहुत आसान कर लिया है। अब आपको टेंसेस समझने के लिए सिर्फ प्रेजेंट टेंस को समझने की जरूरत होती है। जिसने प्रेजेंट टेंस अच्छे से पढ़ लिए हैं, वो सारे टेंस फिर कर लेगा, क्योंकि उसको एक सोच आ जाती है टेंसेस की, और ये काम हम और आप आज कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर। तो अब यहां पर देखते हैं कैसे हम एक जादू करेंगे और ट्रिक के साथ इसको समझेंगे। बिल्कुल जादू सा ही तो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पढ़ना कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस, और पढ़ कौन सा चुके हैं हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसमें और इसमें मुझे फर्क बताओ आप, इसमें और इसमें डिफरेंस मुझे दिख रहा है। कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस है, टेंस तो टेंस है, पास्ट प्रेजेंट, सिर्फ फर्क किस चीज का है? टाइम का। हाँ, सिर्फ इसका और इसका फर्क है, बाकी तो टेंस सेम हो गया। अच्छा मैं हिंदी में कुछ समझू इसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई काम प्रेजेंट में चल रहा होता था, दिल की धड़कन थी, ये बात थी, ठीक है जी। कैसे सेंटेंस होते थे? मैं जा रहा हूं, तुम आ रहे हो, मैं जा रहा था, तुम आ रहे थे, यही तो करना है। हाँ हाँ यही करना है, बिल्कुल यही करना है, क्योंकि सिर्फ टाइम बदलना है, टाइम बदलना है। हिंदी में भी टाइम बदल जाएगा और उसकी इंग्लिश बनाने में भी टाइम बदल जाएगा। अच्छा हिंदी में बदलने के लिए मैंने मैं जा रहा हूं को मैं जा रहा था से बदल दिया, यानी था रिप्लेस कर दिया हूं से, था रिप्लेस कर दिया हूं से। इंग्लिश में क्या करूं, इंग्लिश में क्या करूं, क्या करूं? टाइम बताने के लिए, पहचान करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है कि नहीं? हाँ, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती थी इज, एम, आर। वैसे मैं लिखने में तो खामखा अपना टाइम खराब कर रहा हूं, यहां लिखा तो है ये ना, ये कंटिन्यूअस के लिए तो थी, कंटिन्यूअस की प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर थी। पास्ट के कंटिन्यूअस के लिए क्या होती है?
क्या होनी चाहिए बल्कि वॉज वर्ब होनी चाहिए. बिल्कुल. तो मैं कह सकता हूं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वॉज वर्ब. अच्छा कोई और चेंज करना है वर्ब की फॉर्म में, चेंज करना है, बिल्कुल नहीं. कंटिन्यूस के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. सब कुछ बिल्कुल लॉजिकल लिखा हुआ है, सिस्टमैटिक है. बल्कि ताज्जुब होता है, दुख होता है कि आप टेंस नहीं सीख पाते हो, क्योंकि सबसे आसान चीज है इंग्लिश के अंदर प्रेपोजिशन पढ़ने में, कंजंक्शन पढ़ने में तो है ऐसे रूल के इतने क्लियर नहीं है. सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है सेंटेंस को पूरा. अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि आप हलवा रखा है खा लो, देखो कितना सिस्टमैटिक है, कुछ नहीं किया. अफर्मेटिव में बनाने की कुछ जरूरत है, बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई है. अब आप एक्सपर्ट हो, जीनियस बन चुके हो, करो इसको, आओ अफर्मेटिव बनाओ मेरे साथ. सब्जेक्ट रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सोचते हुए करो जरा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता था, सब्जेक्ट इज एम आर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता था. क्या बदल दूं, हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज करनी है, सिर्फ वही किया है मैंने कुछ नहीं किया यहां, सिर्फ वही किया है. बिल्कुल हाँ, सब्जेक्ट रखा, वॉज वर्ब लगा दिया. अच्छा वॉज किसके साथ, वर किसके साथ, वही पुराना रूल है हमारा. वॉज आएगा सिंगुलर्स के साथ, वर आएगा प्लूरल्स के साथ, लेकिन आई के साथ भी आपको वॉज लगाना है. ये एक्सेप्शन याद रख लेना, क्या आई के साथ लगेगा वॉज, ठीक है, बस ये याद रखना है. बाकी सब सेंटेंस सेम है. नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में भी कुछ नहीं, इज एम आर हटाओ वॉज वर लगाओ. इंटरोगेटिव में इज एम आर हटाओ वॉज वर लगाओ. डबल इंटरोगेटिव में इज एम आर हटाओ वॉज वर लगाओ. अब एग्जाम्पल समझते हैं. अफर्मेटिव क्या हो सकता है, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग. मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग. पास्ट में कोई काम चल रहा था उसको बता रहे हो आप, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है हम समझ चुके हैं, अब पास्ट में कोई काम चल रहा था उसे हम समझ रहे हैं. मैं आपसे बातें कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू यू. मैं फिल्म देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग द फिल्म. वह आना चाह रही थी, शी वॉज ट्राइंग टू कम. यहां सेंस पे गया है, वॉन्टिंग नहीं लगता, ट्राइंग लगा दिया मैंने. तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग. हम क्या कर रहे थे, व्हाट वर वी डूइंग. तो अफर्मेटिव के थे, एक इंटरोगेटिव का भी एग्जांपल दिया. अब तरीके से चलते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव के एग्जांपल्स लेते हैं. मैं झूठ नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई. मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश. मैं तुमसे नहीं मिल रहा था, आई वॉज नॉट मीटिंग यू. वह खाना नहीं खा रही थी, शी वॉज नॉट ईटिंग द फूड. वह दिवाली नहीं मना रहा था, ही वॉज नॉट सेलिब्रेटिंग दिवाली. कुछ भी बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ खेल है, खेल है, खेल के जितना खेलना चाहो आप खेल सकते हो. आओ इंटरोगेटिव पे. इंटरोगेटिव वही शुरू में क्या आ जाएगा, नॉर्मल इंटरोगेटिव है. क्या तुम यहां आ रहे थे, वर यू कमिंग हियर. क्या तुम टीवी देख रहे थे, वर यू वॉचिंग द टेलीविजन. क्या तुम मुझे बुला रहे थे, वर यू कॉलिंग मी. क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग क्रिकेट. कुछ भी बना सकते हो आपके पास हथियार है, आपको मैंने एक आमरी दे दी है, अब आप उसको यूज करना, ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो. डबल इंटरोगेटिव में, डबल इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, डबल एच फैमिली लग जाएगा. तुम यहां क्यों आ रहे थे, व्हाई वर यू कमिंग हियर. तुम क्या पढ़ रहे थे, व्हाट वर यू स्टडिंग. तुम क्या देख रहे थे, व्हाट वर यू वॉचिंग. तुम किससे मिल रहे थे, होम वर यू मीटिंग. तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल्स. जितने एग्जाम्पल आप बनाना चाहो, बिल्कुल कोई भी गलती नहीं होने वाली है, क्योंकि सब कुछ क्लियर है, सब कुछ आपके हाथ में, स्ट्रक्चर आपने बनाए हैं, ये कहीं से उठ के नहीं आए, आपने खुद बनाए हैं, बहुत इजी है. दोस्तों अब बारी आई है पास्ट परफेक्ट टेंस की. पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसके नाम से समझ में आता है कि काम तो हुआ पास्ट में, और वो काम कैसा है, परफेक्ट है. यानी पास्ट में कोई काम जब पूरा हो चुका था उसको हम बताते हैं, तो हम बोलेंगे वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा. अच्छा सर ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं क्रिकेट खेल चुका था, मैं आपसे मिल चुका था, हम वहां जा चुके थे, हम इंग्लिश सीख चुके थे, तो इस तरह के सेंटेंस मैंने इसमें ये कहने की कोशिश की है कि हमने पास्ट में वो सारे काम कर लिए थे, पूरे हो चुके थे. अच्छा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों में फर्क क्या है, आप फर्क ढूंढते हैं. पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है, मैंने बोला मैं गया. पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, मैं जा चुका था. दोनों में अंतर करने की कोशिश करें आप, दोनों में डिफरेंस ये आता है कि जब मैंने कहा मैं गया, मैंने ये नहीं बताया कि मैं जा चुका था, कि इससे पता नहीं चल पा रहा कि काम पूरा हो गया था या चल रहा था. लेकिन जब मैंने कहा मैं जा चुका था, मैंने कहा है कि हां वो जाने का काम मैंने पूरा कर दिया था. ऐसे एक और सेंटेंस, मैंने काम किया, और एक और सेंटेंस, मैं काम कर चुका था या मैंने काम कर लिया था. तो यही डिफरेंस है
कि जब हम कोई काम जो पास्ट में है उसे दिखाते कि वो पूरा हो गया था, तब तो लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। और अगर कोई काम है जिसके बारे में पता ही नहीं होता, वो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, इसकी आपको क्या समझने की जरूरत है, इसकी आत्मा को समझो पास्ट परफेक्ट टेंस की, कि इसके अंदर जताया जाएगा, जताया ये जाएगा कि वो काम पास्ट में पूरा कर दिया गया था, पास्ट में पूरा हो गया था। पूरे होने पे फोकस होगा, आप सेंटेंस समझते ही पहचान जाओगे। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? इसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही बनाएंगे प्रेजेंट टेंस की सहायता से। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो कॉमन हो गया, सिर्फ डिफरेंस इसका आया प्रेजेंट और पास्ट का, यानी टाइम का डिफरेंस है, यानी उसमें प्रेजेंट में काम पूरा हो चुका है और इसमें पास्ट में काम पूरा हो चुका था, ऐसे बनेगा। अच्छा, हिंदी में रटने के लिए कैसे याद करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानोगे कैसे? पहचानोगे ऐसे कि इसके आखिर में आवाज आएगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, इस तरह के जो वर्ड्स है वो लास्ट में आपको मिलेंगे। ये हो गई रटने वाली बात। वैसे तो आपको इसकी आत्मा को समझना है, आप समझ जाओगे कि जताया जा रहा है कि वो काम पूरा हो चुका था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ। इसके स्ट्रक्चर में कॉमन रखेंगे बाकी चीजें, तो कुछ भी नहीं करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था वही है बिल्कुल, वह पास्ट बदलना है। पास्ट में बदलने के लिए क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब बदल दोगे। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी इसके अंदर? इसके अंदर हो जाएगी सर हैड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इसमें क्या होती थी? हैज हैव होती थी ना, इसकी हो जाएगी हैड। बाकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें भी थी, बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा। अच्छा, एक और मजे की बात तो देखो, इसमें तो ये दिक्कत थी कि हैज किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा, ठीक है? नहीं, बिल्कुल थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो सबके साथ ही क्या लगा देना है? हेड लगा देना है। तो ये तो और आसान हो गया, काम बिल्कुल आसान हो गया, खामा खां की चीजें हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे थे पहले? अच्छा, आपने वीडियो नहीं देखी थी इसलिए। चलो आओ बढ़ाते हैं इसको, अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सबके साथ ही हेड आएगा, सिंगुलर हो के प्लूरल हो कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस बनाओ, मैं कह चुका था, आई हैड सेड। मैं तुम्हें देख चुका था, आई हैड सीन यू। मैं उससे मिल चुका था, आई हैड मेट हिम। मैंने काम कर लिया था, आई हैड डन द वर्क। मैंने फिल्म देख ली थी, आई हैड वॉच द फिल्म। वह आ गया था, ही हैड कम। अफर्मेटिव के आप कितने भी बना सकते हो, लगना यही रूल है कोई भी सेंटेंस हो जाए। नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं। नेगेटिव में क्या? कुछ भी नहीं, नेगेटिव में सिर्फ नॉट लगा देना, सब्जेक्ट हैड नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट। अब बनाओ इसके भी, मैंने उसे गाली नहीं दी थी, पास्ट में वो काम पूरा गाली कर देने का मैंने नहीं किया था, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिम। मैंने यह नहीं कहा था, आई हैड नॉट सेड दैट। मैं उससे नहीं मिला था, आई हैड नॉट मेट हिम। मैं वहां नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन देयर। आपको मालूम है आप क्या कहना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप इस टेंस का इस्तेमाल करोगे। आइए बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव में क्या? कुछ भी नहीं, हेल्पिंग वर्ब लगाओ सबसे पहले, हैड आ गया, सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। बनाओ सेंटेंस, क्या तुम वहां गए थे, हैड यू गॉन देयर। क्या तुम उससे मिले थे, हैड यू मैट हिम। क्या तुमने दिवाली मनाई थी, हैड यू सेलिब्रेटेड द दिवाली। क्या वह आ चुका था, हैड ही कम। बस इतना बनना है। डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव में सिर्फ नहीं सर, ये तो बड़ी दिक्कत थी, याद आया, कानों से धुएं निकल जाने, बड़ी परेशानी हो जाएगी, बड़ा मुश्किल काम है डब्ल्यूएच फैमिली वाले बनाने के लिए। तो बिल्कुल नहीं सर, सिर्फ डब्ल्यूएच फैमिली रखना है, बाकी तो ऊपर से कॉपी पेस्ट ही तो है, बिल्कुल कंट्रोल सी कंट्रोल वी का काम है इसके अंदर, वही हमने करना है। सेंटेंस बना दो, क्या तुम वहां क्यों जा चुके थे, इसके साथ हिंदी की इंग्लिश क्या बन जाएगी, व्हाई हैड यू गॉन देयर। तुम उससे क्यों मिले थे या मिल चुके थे, व्हाई हैड यू मेट हिम। तुम वहां क्यों नहीं गए थे, व्हाई हैड यू नॉट गॉन देयर। कोई भी सेंटेंस बनाओ, बाकी का काम आपका दोस्तों, आपका, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करनी है आज के आज, अभी के अभी प्रैक्टिस कर लो, कभी नहीं भूलोगे, लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट है ये, आज की प्रैक्टिस लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट। कल पे मत डालना कि आज वीडियो देख के कल करोगे, प्लीज अभी करो, बिल्कुल करो, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है, सीख जाओगे, कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों अब हम बढ़ चुके हैं हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ, जो कि हमारा पास्ट का आखिरी टेंस होने वाला है। अच्छा, इसको भी कैसे पढ़ना है? अच्छा, उससे पहले बताओ इसमें होता क्या है? अरे इसमें कुछ नहीं होता सर, वही वाली चीज है, क्या पास्ट में कोई काम चल रहा होता है पास्ट से ही, मतलब कोई पुराने वक्त में बीते हुए वक्त के अंदर कोई काम चल रहा था, और वो भी किसी खास वक्त से चल रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपसे कहा, मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था, मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा था, मैं आपके साथ 2 मिनट से बातें कर रहा था। तो इस तरह की टाइमिंग, पास्ट की बात पास्ट में करे जाओगे तो कौन सा टेंस लगाओगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
बनाने का तरीका, हाँ वही वाला, कौन सा जो अब तक पढ़ते हुआ है, पास्ट टेंस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर प्रेजेंट पढ़ रखा है, वही वाली बात मैं दोहरा रहा हूं अपनी, और आप भी देखो यही होने वाला है। यहां पे भी क्या होने वाला है, देखो दोबारा से कंपैरिजन करते हैं हम, कंपैरिजन में देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फर्क क्या, सिर्फ ये फर्क है, बाकी ये चीजें तो कॉमन आ गई, यानी स्ट्रक्चर आधा से ज्यादा तो सेम हो गया, सिर्फ बदलने की क्या जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब बदल देना बस, और कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब ही बदली हुई मिलेगी, और हेल्पिंग वर्ब भी बहुत आसान होगी। कैसे आसान होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है जरा बताइए, इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन या फिर हैव बीन, ये होती है ना, हाँ होती तो यही थी, इसमें बदल के क्या हो जाएगी, अब आपको भी आइडिया है, जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्या हो जाएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब बदल के जानी है बस, यानी ये तो और शॉर्ट कर दिया, हाँ हाँ हुआ है, शॉर्ट हुआ है, बहुत आसान हो गया, बस थोड़ी सी मेहनत प्रेजेंट में करनी है, पास्ट में तो फिर जो मेहनत पहले कर रखी उसका खाओगे, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, अफर्मेटिव पे आओ, अफर्मेटिव का बनाने का तरीका, मैं नहीं बनाऊंगा आप बनाओगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैड बीन, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंसी ऑफ वर्ब सेम टू सेम। आगे बढ़ो नेगेटिव में, सब्जेक्ट प्लस आई क्या लिखा हुआ है, देखो हैड नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंसी ऑफ वर्ब, ध्यान से देख लो, बताने की भी जरूरत नहीं है। इंटरोगेटिव का देखो वही हैड आया, सब्जेक्ट आया, बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया फोर, ऐसे उसके अंदर डब्ल्यूएच फैमिली आया, हैड आएगा, सब्जेक्ट प्लस बीन आएगा, इसको ध्यान से देखना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ये दिक्कत है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, कि जो हमारे इसके इंटरोगेटिव होते हैं ना तो बीन बीच में घुसता है सब्जेक्ट के, ये सब्जेक्ट बीच में आता है बीन के, तो ये चीज देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये सेम टू सेम था, अब इसके कुछ एग्जांपल कर सकता हूं क्या मैं, बिल्कुल कर सकता हूं, आओ बनाते। मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था, I had been waiting for you for 2 hours. हम 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहे थे. We had been playing cricket for 10 minutes. तुम 10 साल से दिल्ली में रह रहे थे. You had been living in Delhi for 10 years. ऐसे मैं 26 जनवरी से पतंग उड़ा रहा था. I had been flying the kite for since 26 जनवरी. यहां पर ये जनवरी था, एक डेफिनेट टाइमिंग थी, इसलिए हमने सिंस लगा दिया। अब आते हैं नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव, मैं 10 मिनट से टीवी नहीं देख रहा था, आई हैड नॉट बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 साल से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 years, ऐसे ही तुम 10 मिनट से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, यू हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 10 मिनट्स, कोई भी बना सकते हो, स्ट्रक्चर रखो बना, हाँ इस्तेमाल कम होता है। जनरल अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कॉम्पिटेटिव में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कॉम्पिटेटिव में तो चाहता ही वो ऐसे टेढ़ी चीजें देना है, लेकिन हाँ स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम इस्तेमाल होता है। इंटरोगेटिव में ऐसे ही हैड यू बीन गोइंग दिल्ली, हैड यू बीन गोइंग दिल्ली फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से दिल्ली जा रहे थे, मतलब कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हो। इंटरोगेटिव देख लेना, डबल इंटरोगेटिव देख लेना, थोड़ा सा हम कट शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें फ्यूचर भी पढ़ना है, ये आप समझ लोगे बहुत ईजी है, कोई भी सेंटेंस बनाओ और इसको यूज कर सकते हो। अब हम बढ़ने वाले हैं, जी हाँ आपके लिए बहुत खुशखबरी है, कैसा लग रहा है एक नया जन्म लेते हुए, कैसा लगा? ये वीडियो देखने से पहले आप कुछ और थे, अब कुछ और हो गए हो, जहां तक इंग्लिश की दुनिया की बात है, अब लग रही है चीजें काफी आसान थी। 70% इंग्लिश टेंस है, 70%, जी हाँ लिख के रखो, 70% इंग्लिश में टेंस ही तो होता है, जिसने टेंस कर लिया उसे 70% इंग्लिश आती है, यानी उसको सारा कुछ इसी में घूमता रहता है। तो आपको एक नया जन्म मिला है तो आपको खुशी होनी चाहिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब हम बात करने वाले हैं आपके फ्यूचर की, जी हाँ आपके फ्यूचर टेंस की बात करने वाले हैं। फ्यूचर टेंस यानी कोई काम होगा कब होगा, आने वाले कल में होगा, यानी कोई भी काम जो आने वाले कल में होगा उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, ये इसमें हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग में भी हमने समझा था, इसकी हम स्टार्टिंग करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। वही वाला रूल है कि काम किस में होना है फ्यूचर में, और काम कितना हुआ हुआ है इंडेफिनिट, यानी हमें मालूम नहीं है कि वो काम कितना होगा। अच्छा सर ये तो मैंने बता दिया, इस टेंस में किस तरह के सेंटेंस की बात होगी। अब इसको रटने वाली बात, रटने वाली बात कुछ नहीं है, आखिर में आएगा गा गी गे, बहुत आसान टेंस है, गा गी गे आखिर में आता है। जैसे मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, तुम आओगी, तुम कहां जाओगे, तुम क्या करोगे, मैं उससे मिलूंगा, तुम हंसोगे, हम पढ़ेंगे, तुम इंग्लिश बोलोगे, हम वीडियो देखेंगे, हम वीडियो को लाइक करेंगे, हम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये वाली बातें होंगी किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। पता नहीं कि काम पूरा होगा कि नहीं, वो तो आप करके बताओगे, ठीक है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब, सर पेश है आपकी हेल्पिंग वर्ब का चार्ट, इंडेफिनिट हो तो कौन सा आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसकी फॉर्म कौन सी हो गई, फर्स्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी है क्या मेरे पास, हाँ फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब हो गई विल और शैल, विल या शैल जरा कहे तो ज्यादा प्रॉपर होगा, तो विल या शैल से तो पता लगेगा कि ये फ्यूचर है, बात खत्म।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिल्कुल वही। अब तो मेरे की मेरे कराने की भी जरूरत नहीं है, अब तो आप कैपेबल हो खुद करने के लिए। जी हाँ, अब आप पढ़ाओगे, अब आप पढ़ोगे, अब इस लेवल पे आप आ चुके हो। तो इसके अफर्मेटिव से स्टार्ट कर लेते हैं, हिंदी में रट्टा मार लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट रखा, विल या शैल आया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा सर एक बात बताओ, विल किसके साथ, शैल किसके साथ? फ्यूचर टेंस में कोई भी टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक यही टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, यही पार्ट है क्या, कि विल किसके साथ आएगा और शैल किसके साथ आएगा। इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। विल शैल, शैल आएगा आई और वी के साथ, जहां सब्जेक्ट मेरा आई हो या वी हो, आई हो या वी हो, आई हो या वी हो, तो आएगा शैल और सबके साथ विल। इतना सा काम है। हां अभी बात पूरी नहीं हुई, बात क्या है आगे की। विल और शैल एक मॉडल वर्ब भी है। उसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं कोई ऐसी बात कहूं जिसके अंदर कोई धमकी हो, जैसे मैंने कहा, अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे, अगर इस तरह की कोई बात बोली, या अगर आपने वीडियो नहीं देखी हम वीडियो नहीं बनाएंगे। अब ये क्या धमकी दे रहा हूं, या मैं कहूं प्रॉमिस कि मैं आपको इस वीडियो के बाद एक्टिव पैसिव वॉइस की भी वीडियो बना के दूंगा, या आपसे मैंने प्रॉमिस किया, फ्यूचर में कोई बात प्रॉमिस हुई, धमकी दी, या मैंने कहा कि इस बार तो मैं एग्जाम क्रैक करके रहूंगा। अब ये क्या किया, डिटर्मिनेशन, मैंने एक खुद से वादा किया, या मैं कह सकता हूं कि एक मैंने प्रतिज्ञा ली, दृढ़ संकल्प जिसे हिंदी में कहते हैं, कि मैंने खुद से एक वादा किया, ये काम मैं करके रहूंगा। तो ये तीन कंडीशन, क्या, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और या फिर थ्रेट, किसी को धमकाना। जब ये सेंटेंस में हो तब रूल्स जो है हमारे आई और वी लगाने की वो उल्टे हो जाएंगे। उल्टे कैसे, जिसके साथ अब आई आता था उसके साथ आएगा वी, जिसके साथ पहले वी आता था उसके साथ आ जाएगा आई, उल्टा पुल्टा। जी हां, तो आई और वी नॉर्मली तो ऐसे इस्तेमाल होगा कि शैल आएगा आई और वी के साथ और बाकी सबके साथ विल आएगा, लेकिन जहां पर ये तीन कंडीशन जो अभी हमने पढ़ी है वो हो तो रूल्स चेंज हो जाएंगे। तो ये आपने कहीं ना कहीं मॉडल का भी एक पार्ट पढ़ लिया है, तो मुबारक हो ये भी आपने पढ़ लिया। अच्छा अब आपको समझ में आ रहा है क्या, कि जब किसी को धमकी देते तो हम कहते हैं आई विल सी यू, आई विल किल यू। इसका मतलब क्या, मैं तुम्हें मार दूंगा। सर आई के साथ विल आ गया, क्यों आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि आप यहां पर क्या दे रहे हो, धमकी दे रहे हो। तो ये बात भी क्लियर हो गई। ओके अब इसको पूरा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अफर्मेटिव के पहले कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे मैं जाऊंगा आई शैल गो, तुम आओगे यू विल कम, मैं तुमसे मिलूंगा आई शैल मीट यू, मैं खाना खाऊंगा आई शैल ईट द फूड। अच्छा यहां विल लगा सकता था, हाँ लगा सकता था, जब मैं अगर विल लगा देता तो उसका मतलब ये हो जाता पक्का मैं ये काम करूंगा ही। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जब बोलने के पर्पज से ज्यादातर क्या करते हैं उसको आइल बोल देते हैं, तो उसमें खुद ही लगा लो क्या लगना है कि नहीं, हम बोलते हैं आल गो। अब इसमें मैंने बताया नहीं कि मैं शैल लगा रहा हूं कि विल, लेकिन अब समझ लो, लेकिन जब मुझे बोलना हो कि हां मैं आऊंगा ही तब मैं विल जरूर बोलूंगा, आई विल गो। ओके तो ये तो थे अफर्मेटिव के कुछ एग्जांपल। अब देखते हैं नेगेटिव, नेगेटिव में कुछ भी नहीं, वही सब्जेक्ट रखा, हेल्पिंग वर्ब आई ये, और इसके बाद आ गया नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसके बनाते मैं तुमसे नहीं मिलूंगा आई शैल नॉट मीट यू, मैं घर नहीं जाऊंगा आई शैल नॉट गो टू होम, वह नहीं आएगी शी विल नॉट कम, वह घर नहीं जाएगा ही विल नॉट गो टू होम, मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा आई विल नॉट रीड द न्यूज़पेपर। तो इस तरह से हमने नेगेटिव बनाया। इंटरोगेटिव में भी कुछ नहीं है, क्या होगा इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल शैल आया, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके इसको बनाओ, विल यू कम टुडे, क्या आप कल क्या आज आप आओगे। ओके विल यू गो देयर, क्या आप वहां जाओगे। विल यू सी मी, क्या आप मुझे देखोगे। शैल आई गो देयर, क्या मैं वहां जाऊं या क्या मैं वहां जाऊंगा। इस तरह से ये हमने देखे इंटरोगेटिव के, डबल इंटरोगेटिव के थोड़ा सा आप भी कर लो सर। डबल इंटरोगेटिव के अभी स्ट्रक्चर आपके सामने रखा है, डबल एच फैमिली है, विल शैल है, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, वही कानों में से धुआं वही सारी चीजें आ जाएंगी, डबल एच फैमिली लग जाएगी, बहुत मुश्किल काम। तो ये हमने पहले भी देख रखा है, ये चीजें हमें प्रॉपर पता है कैसे इसका स्ट्रक्चर बना है। सेंटेंस आप बना सकते हो, चलो हेल्प कर ही देता हूं। अब आप कह सकते हो जैसे व्हाई विल यू गो देयर, आप वहां क्यों जाओगे। व्हेन शैल आई कम, मैं यहां कब आऊंगा। ओके तो इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हो, बाकी के अब आप बना के बताना मुझे, ठीक है। अच्छा इसको पढ़ने का एक और तरीका यह है कि आप न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, नॉवेल्स, इन सबको जितना भी पढ़ोगे ना तो ये सारे टेंस और अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। अब आगे बढ़ देते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। अब हमने पूरा पढ़ लिया है, अब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आपका जो ये नया जन्म हुआ है, आपने पुनर्जन्म लिया है, तो अब आप इस लायक हो गए हो कि आप ये चीजें अच्छे से समझ पा रहे हो।
तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अब इसमें क्या होता है? वही कुछ नहीं, काम फ्यूचर में होना है, आने वाले कल में होना, और वो चलता हुआ रहेगा। जैसे मैं कहूं यहां पर बैठ के, अभी बैठ के मैं सोचूं कि जब एग्जाम होगा तो एग्जाम के दिन मैं क्या कर रहा होऊंगा, मैं एग्जाम लिख रहा होऊंगा। दिवाली के दिन तुम क्या कर रहे होंगे? दिवाली के दिन तुम क्या कर रहे होंगे? दिवाली के दिन मैं पटाखे जला रहा होऊंगा। ठीक है, ऐसे टीचर क्लास में क्या कर रहा होगा बताना जरा? टीचर क्लास में पढ़ा रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अच्छा, रटने वाली बात समझ में आई? और अच्छा, इसकी आत्मा को छुओ, इसकी आत्मा को समझो, महसूस करो, तो समझ में आया फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। अच्छा सर, जब कोई भी काम चल रहा होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? जी हाँ, हमें पता है, धक धक दिल। यस, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो धक धक करने लगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इसमें आने लगा। ओके, तो लग जाएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी, लग जाएगी ना? लॉजिकल है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? विल शैल ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, बस एक चेंज है इसमें। आप गौर करो, रहा होऊंगा, होना एक वर्ड आ रहा है। मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, तुम आ रहे होंगे, तो एक होना वर्ड आ रहा है कहीं ना कहीं। इसके लिए हम बी और लगा देते हैं इसके साथ, ये बी जरूर चलेगा। वह टीवी देख रहा होगा, ठीक है, तो ये बी सबके साथ लगेगा, इसका ख्याल करना है, बाकी का स्ट्रक्चर सब में सेम होगा। अफर्मेटिव से हम करते हैं इसको स्टार्ट। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल विल, बी लगेगा, शैल बी हो जाएगा, विल बी हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारी है ही, और आखिर में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाओ सर, मैं आ रहा होऊंगा तो आई शैल बी कमिंग, तुम लिख रहे होंगे यू विल बी राइटिंग, तुम मुझे देख रहे होंगे यू विल बी वॉचिंग मी। सो ये सेंटेंस थे अफर्मेटिव के। नेगेटिव में आ जाओ, वह झूठ नहीं बोल रहा होगा, ही विल नॉट बी टेलिंग अ लाई। मम्मी खाना नहीं पका रही होंगी, तो क्या हो जाएगा? मम्मी विल नॉट बी कुकिंग द फूड। तो इस तरह के आप सेंटेंस बना सकते हो नेगेटिव के। इंटरोगेटिव में आ जाओ, इंटरोगेटिव का कहानी बहुत आसान है, शैल विल सबसे पहले रख दो, विल ही बी कमिंग, क्या वह आ रहा होगा। देखो बोलने में ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं क्या आपने एटम बम फोड़ दिया हो, कैसी इंग्लिश बोल दी, फ्लुएंसी आ गई बिल्कुल, ऐसा लगा नहीं विल ही बी कमिंग। अरे भाई ये क्या पढ़ लिया? अरे सर कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन इंप्रेशन इतना बढ़िया आया कि आपने क्या बोल दिया। तो ये टेंसेस के रूल्स है, दिमाग में रखो, बोलते चले जाओ। ऐसे ही और सेंटेंस क्या हो सकता है? शैल आई बी गोइंग, क्या मैं जा रहा हूंगा। विल ही बी अटेंडिंग द क्लास, क्या वह क्लास कर रहा होगा। Will you be watching me? क्या तुम मुझे देख रहे होंगे? तो ये सारे sentences थे interrogative के। double interrogative थोड़ा आप करके आना, और मैं उम्मीद करता हूं double interrogative का structure आप खूब बना सकते हो, मजे से बना सकते हो, क्योंकि अब आपने ले लिया है एक दूसरा जन्म। तो अब हम बात करेंगे इसके अगले tense की। अगला tense होगा हमारा future perfect tense। दोस्तों अब बढ़ चुके हैं हम अपने अगले tense की तरफ, और अगला tense है हमारा future perfect tense। अच्छा, future में कोई काम है और वो क्या है? Perfect है। देखो टेक्निकल चलोगे ना, चीजें कितनी इजी लगती हैं, सिस्टमैटिकली लॉजिकली, कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ये, सिस्टमैटिक लॉजिकल तो टेक्निकल स्ट्रेटेजिकल, तो ये वर्ड्स जो है ना स्टूडेंट लाइफ में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और वही हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट, काम फ्यूचर में हुआ और वो कैसा है? परफेक्ट है, यानी वो फ्यूचर में ही पूरा हो चुका होगा। अरे सर ये क्या कह रहे हो? सर सच बताऊं तो इन टेंस का रेलेवेंस बहुत कम है बोलने के पर्सपेक्टिव से, बोलने के पर्सपेक्टिव से ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। पर्सनली स्पीकिंग, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं भी नहीं करता इनका इस्तेमाल, लेकिन एग्जाम के लिए तैयार होके जाओ, नॉलेज के पर्पज से सब कुछ आना चाहिए। आओ चलो सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस क्या होता है इसमें, इस तरह के सेंटेंस होंगे कि मैं वो काम कर चुका होऊंगा, जैसे मैंने आपसे कहा मैं ये वीडियो देखने के बाद टेंस सीख चुका होऊंगा, मैं इंग्लिश बोल चुका होऊंगा, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर चुका होऊंगा, मैं वीडियो को लाइक कर चुका होऊंगा, हम वीडियो को शेयर कर चुके होंगे, हम आपसे मिल चुके होंगे, ये वाले सेंटेंसेस सारे आएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। अच्छा सर जल्दी से बता दो अब मुझे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। सर हेल्पिंग वर्ब विल चैल की, विल चैल ही रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक थोड़ा सा चेंज क्या होगा इसके साथ, हैव और लगना है, हैव लगेगा परफेक्ट दिखाने के लिए। अच्छा जहां भी कोई टेंस परफेक्ट हो तो क्या लगता है? हाँ लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमें पता है थर्ड फॉर्म लगती है, रूल में भी लिखा है परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म, चार्ट है, सिंपल बनाओ ना इसको, तो हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगी विल शैल।
साथ में हैव ऑल लग जाएगा, ठीक है। अब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लिया, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, विल और शैल हेल्पिंग वर्ब आई, हैव आया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जल्दी से इनके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और मजेदार से और उनकी हिंदी भी बना लेते हैं। अच्छा चलो एग्जांपल हो गया, जैसे आप यहां आ चुके होंगे तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव कम हियर, मैं आपसे मिल चुका होऊंगा, आई विल हैव मेट यू, तुम खाना खा चुके होंगे, You will have eaten the food. Sir, है थोड़े से ये thoughtful process है, कोई बहुत ज्यादा सोचने ही वाली बात है जो आप इस तरह के sentence इस्तेमाल करोगे, लेकिन पढ़ना है हमें इसलिए हम पढ़ रहे हैं। Negative पे आ जाओ, subject, helping verb, अब not have से पहले आएगा, बस ये देखना है आपको, have से पहले not आएगा, main verb की third form plus object। जैसे मैं आपसे मिल चुका नहीं होऊंगा, हम किताब नहीं पढ़ चुके होंगे, तुम खाना नहीं खा चुके होंगे, तुम चांद पर नहीं पहुंच चुके होंगे। तो ये वाले सेंटेंस आपको इंग्लिश में चेंज करने हैं, करो ट्रांसलेट कोई दिक्कत नहीं। आई नॉट हैव रीच्ड टू मून, आई नॉट हैव रीच टू द लगा दो, रीच टू द मून, क्योंकि जो मून होता है सन होता है उनके साथ द लगाना जरूरी होता है, ठीक है। सो आई नॉट हैव रीच टू द मून, ऐसे ही मैं आपसे मिल चुका नहीं होऊंगा, आई नॉट हैव मेट यू, मैं खाना नहीं खा चुका होऊंगा, आई नॉट हैव ईटन द फूड, इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाओगे, ठीक है। अगला है हमारा इसका इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर हैव आएगा, इस बात पर नोटिस कर लेना, सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, मेन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे क्या तुम मुझसे मिल चुके होंगे, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, विल यू हैव मेट मी, क्या तुम वहां जा चुके होंगे, विल यू हैव गॉन देयर, क्या वह क्रिकेट खेल चुका होगा, आप यहां बैठे हो सोच रहे हो कि वो काम हो जाएगा और सोच रहे हो वो काम होने के बाद पूरा भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या मैं एग्जाम क्रैक कर चुका होऊंगा, अरे सर तैयारी करो क्रैक होगा ना, तो इसके लिए हो जाएगा क्या कि विल आई हैव क्रैक द एग्जाम। तो ये वाले सेंटेंस थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि फंसना नहीं है एग्जाम में, कल को आ जाए ना तो दिमाग को ज्यादा सोचना ना पड़े, आपको पता होगा ये सेंटेंस कौन सा है, इसलिए प्रैक्टिस कर लेना, स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कम इस्तेमाल होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ नीचे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको अब हम पढ़ने वाले हैं और ये हमारा फ्यूचर का आखिरी टेंस होने वाला है। तो जी हाँ, आप हमारे साथ अब तक बने हुए हैं और हम सीख चुके हैं, अब आखिरी टेंस को सीखना बाकी है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फ्यूचर में कोई काम होना है, आने वाले कल में कोई काम होना है, और उस काम, वो काम जो होगा ना, किसी खास टाइम से चल रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही सुना आपके कानों ने, कालों में से धुएं निकलने लगे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है, दिमाग का बिल्कुल भरता बन चुका है बिल्कुल, लेकिन है तो यही। अब लोग करते हैं इस तरह की बातें तो क्या कर सकते हैं, इनकी जरूरत ही यूं पड़ी, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इस तरह की बातें बोलते हैं, ये प्रैक्टिकली अप्रोच है लोगों का बोलने का, तो है भाई क्या कर सकते हैं। अब सेंटेंस क्या बनेगा वो सुनो, लेकिन हंसना मना है। सेंटेंस होगा, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा होऊंगा, तुम 10 महीने से मुझसे मिल रहे होंगे, ये सेंटेंस होंगे बिल्कुल, तुम 6 महीने से तैयारी कर रहे होंगे, वह 10 मिनट से खाना पका रही होगी, वो 5 घंटे से तुम्हें गाली दे रहा होगा, तुम 10 मिनट से उसके साथ बैठे हुए होंगे, बिल्कुल यही वाले सेंटेंसेस आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होते हैं। जी हाँ, अब इनकी इंग्लिश बनानी है, लेकिन इंग्लिश बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, अरे सर हमारे पास है हमारे लॉजिक, हमारे रूल्स, टेक्निक है हमारे पास, एक जानदार सी टेक्निक है, मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं है। बना दो कैसे बनाओगे, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी वही आपकी विल हैव बीन शैल हैव बीन, कोई दिक्कत नहीं, तो विल हैव बीन, बल्कि विल शैल लिख दो, सिर्फ हैव बीन तो कॉमन ही है, हैव बीन तो इन सब में ही आ जाएगा। और अब ये बताओ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की फॉर्म वही वाली आईएनजी, काम चल रहा है, धक धक करने लगा दिल ये यहां पे, हार्ट बीट, ये कह रहा मुझे यहां लगा दो, ये कह रहा मुझे यहां लगा दो, लगा देंगे भाई लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा क्या है कंटिन्यूटी को दिखा रहा है, इसलिए हम लगा देंगे यहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, जरा देखो बहुत लंबा सा स्ट्रक्चर है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप खुद बनाओगे, स्ट्रक्चर दिखने में लग रहा है लेकिन सिर्फ आप और मैं जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी है क्या असल में। अरे सब्जेक्ट रखा, रखा, हेल्पिंग वर्ब रखी, रखी, विल शैल हैव बीन सबके साथ आ गई,
आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं। मैंने की फर्स्ट टाइम आईएनजी लगाई, लगा दी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और वही सिंस फॉर, वही जो अभी प्रेजेंट टेंस में पास्ट टेंस में पढ़ा था ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम टू सेम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिर्फ टाइम ही तो बदला है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल कराओ ना, करो आप बताओ। वह 2 घंटे से खाना खा रही होगी, बहुत खाना खाती है, इसके सेंटेंस की इंग्लिश क्या बन जाएगी? इसकी बन जाएगी शी विल हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। वह 10 साल से पेरिस में रह रहा होगा, तो इसकी क्या इंग्लिश बनेगी? ही विल हैव बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 10 ईयर्स। ऐसे ही वह 10 जनवरी से बर्थडे मना रहा होगा, तो इसकी वजह की ही विल हैव बीन सेलिब्रेटिंग द बर्थडे सिंस 26 जनवरी, या 10 जनवरी, जो भी तारीख होगी वो आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव में थोड़ा सा ना एक ये चेंज है, इसको देख लेना, क्या कि सब्जेक्ट रखोगे, विल शैल लगा दोगे, अब उसके बीच में नॉट लगाओगे, फिर हैव आएगा, नॉट हैव और फिर बीन, मेनो की फर्स्ट सम प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, तो हल्का सा इसका स्ट्रक्चरल एक चेंज है, वो आपको देखना है, बाकी कुछ इतना खास के अंदर है नहीं। सेंटेंस बन जाएंगे जैसे मैं 2 दिन से आपको नहीं पढ़ा रहा होऊंगा, बनाओ इसकी इंग्लिश बनेगी, आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 डेज। ऐसे ही हम 10 दिन से दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, विल नॉट हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 10 डेज। बनाते जाओ, लेकिन सच्ची बताऊं तो मैं तो इस्तेमाल करता नहीं, मुझे नहीं आदत इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस की, हम तो छोटे से आदमी, छोटी सी बात करने वाले लोग, कम में खुश। आ जाओ जी इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, विल शैल आया, सब्जेक्ट आया, वही हैव बीन आएगा अपना, मेन वर्ब की फर्स्ट सम प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। इसके एग्जाम्पल भी वही होंगे हमारे, क्या तुम 10 साल से दिल्ली में रह रहे होंगे, सेंटेंस तो ऐसे ही बनेगा, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, विल यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। और बाकी सेंटेंस आप सर खुद बनाना, डबल इंटरोगेटिव ना इसका मैंने बताया ना इसका, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि आप इतने इंटेलिजेंट हो चुके हो, मेरा टारगेट हमारा टारगेट पूरा हो चुका है कि अब आपको टेंस आ चुके हैं, अब तो आप मुझे गलत साबित मत करना, आप मेरे यकीन को विश्वास को सच्चाई में तब बदलोगे जब मेरे को लगेगा कि हाँ आपको ये अब समझ में आ चुके हैं और आप खुद से डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बना के दिखाओगे। तो मैं इस उम्मीद के साथ आपको छोड़ जाता हूं डबल इंटरोगेटिव के होमवर्क के साथ। मेरे साथ इस वीडियो के में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। तो दोस्तों ये थी हमारी कोशिश आपको टेंसेस सिखाने की, पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाई हमने आपकी डिमांड पर, इसमें बहुत हमारी मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, और जी हाँ आप जानते नहीं हैं हमने इसमें कितने एफर्ट्स करके आपके लिए इसे कंपाइल किया है, और किसी तरह हमारी ये कोशिश है कि अब आपके अंदर ये चेंज आ जाए, अब आपका एक नज़रिया बदल जाए, आपकी लाइफ चेंज हो जाए ये वीडियो देखने के बाद। अब आपको भी कंजूसी नहीं करनी है, वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, जो भी आप कहना चाहते हो, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा दूसरी बात, अभी आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क तो पूरा नहीं दे सकते, इतनी बड़ी वीडियो का बहुत सारा होमवर्क होता है, कुछ मैं आप सेंटेंसेस मैंने आपको इसमें देने की कोशिश की है जिसको आप आंसर करके जरूर बताएं, ये मिक्स सेंटेंसेस हैं और आप इनका आंसर करके बताएं, बाकी प्रैक्टिस के लिए क्या करना है वो सुने। प्रैक्टिस के लिए आपके पास कोई भी इंग्लिश की एक्स वाई जेड बुक रखी हुई है, उस बुक को आप उसमें से जो भी आपसे सेंटेंस पूछे गए हैं उनको बनाएं, उनको ट्रांसलेट करें, बाकी इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स आते हैं उसमें सारे टेंसेस ही तो होते हैं, उनको आप पढ़ें, समझने की कोशिश करें, आपको डेफिनेटली अब आंसर्स मिलेंगे, आपका अब जो चीज़ें मुश्किल लगती थी वो आसान हो जाएंगी। तो ये थी हमारी वीडियो आपके लिए, थैंक यू।